स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रेक यू पी एस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर इस चैनल के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं और प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण खंड का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य मौर्यन एम्पायर तो मौर्य साम्राज्य में हम लोग मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं और स्रोतों में जो साहित्यिक स्रोत हैं उसका अध्ययन हम लोग कल कर चुके हैं साहित्यिक स्रोतों के बाद में सीधे हम लोग आज अभिलेखीय स्रोत पर आते हैं और जो अभिलेखीय स्रोत आज पढ़ना है वो थोड़ा कठिन भी है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में तो मुख्यतः आज हम लोग जूनागढ़ अभिलेख का अध्ययन करेंगे और अशोक के सभी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे जानेंगे कि अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ क्या हैं इनकी भाषाएं क्या हैं ये कहाँ कहाँ अशोक ने स्टैब्लिश करवाए थे अशोक के अभिलेखों के कितने प्रकार हैं अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास जानेंगे समझेंगे और लिख भी सकते हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग आन अकेडमी में सब्सक्रिप्शंस लेने पे देश की जो टॉप मोस्ट की टीम है यहाँ पे आपका मार्गदर्शन कर रही है यहाँ पे रिपोर्ट बिन की भी बात है आप लोगों के बीच में यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है इसकी लास्ट डेट जो है वह तीस जून है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की टेस्ट सीरीज है यहाँ पे सामान्य अध्ययन का दो तरीके का कोर्स है प्लस आइकॉनिक प्लस और आइकॉनिक की दो खास बातें आपको बता रहा हूं ये मुख्यतः सामान्य अध्ययन का कोर्स है और इसमें प्लस कोर्स 6, बारह चौबीस और छत्तीस महीने के रूप में उपलब्ध है यानी आधा साल फिर पूरा पूरा साल फिर दो साल फिर तीन साल के रूप में ये कोर्स है इसके अलावा आइकॉनिक कोर्स है ये ये आपको एक साल दो साल तीन साल के रूप में यहां पे मिल रहा है इसमें भी आप लोगों को हमारे रेफरल कोड एस एन जे डबल ई -E बी -E का सब्सक्रिप्शन लेते समय प्रयोग करना है और यही प्रयोग आपको इस आइकोनिक कोर्स में भी करना है दोनों कोर्स में इसको अप्लाई करेंगे इस रेफरल कोड को तो आपको यहाँ भी और यहाँ भी फीस में दस प्रतिशत की छूट मिलेगी इस कोर्स में मुख्यतः सामान्य अध्ययन का अध्ययन करवाया जाएगा जो यूपीएससी का सामान्य अध्ययन है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों शामिल इसके अलावा एक महा महासब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में बात करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में और ये जो महा महासब्सक्रिप्शन ऑफर है इसकी लास्ट डेट है तेईस जून मतलब अभी इसमें दो दिन बचे हुए हैं और इसमें संस्थान की तरफ से 25 प्रतिशत और हमारे तरफ से 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है हमारे तरफ से छूट मिलने का मतलब यह है कि हमारा रेफरल कोड आप लोग यूज करेंगे सब्शन लेते समय एस ए एन जी डबल ई बी तो आपको 10 प्रतिशत वहां से छूट मिलेगी तो टोटल जो छूट मिल रही है वह इस समय इसमें पैंतीस इस प्रतिशत की छूट मिल रही है और यह छूट आपको तेईस जून तक मिल रही है तेईस जून तक यह छूट मिल रही है ध्यान रखिएगा एक और खास बात है कि एक तो पैंतीस प्रतिशत की यहां पे इस समय छूट भारी भरकम मिल ही रही है दूसरी बात है कि जैसे वन ईयर का आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वन ईयर के सब्सक्रिप्शन की बैल्टी करीब करीब आप ये मान के चलिए कि चौदह से पंद्रह महीने हो सकती है क्यों एक कंडीशन है क्योंकि यूपीएससी दो का जब तक मुख्य परीक्षा का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक यह सब्सक्रिप्शन आपका एक्सपायर नहीं होगा तो एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको तीन चार महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ये बहुत अलग ऑफर है बहुत उपयोगी है आप लोगों के लिए तो इस सब्सक्रिप्शन को आप लोग ले सकते हैं इसमें सामान्य अध्ययन ऑप्शनल पेपर आइकोनिक जीएस और ऑप्शनल पेपर यानी कि यूपीएससी की जो भी तैयारी कराई जाती है अनएकेडमी नामक संस्थान द्वारा कंप्लीट तैयारी आपको इस सब्सक्रिप्शन द्वारा कराई जाएगी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन सी सेट और ऑप्शनल पेपर सभी का अध्ययन करवाया जाएगा कुछ भी आपको किसी भी संस्थान में अब जाने की जरूरत नहीं कि किसी भी संस्थान में दूसरी बात के लिए भटके और एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कंप्लीट अध्ययन जो इस सब्सक्रिप्शन को यहां पे डायरेक्ट नहीं ले सकता उसके लिए लोन की व्यवस्था भी संस्थान ने की है एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये सोने में सुहागे की तरीके से जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो शहरी लोग हैं कई बार तत्काल में उनको ऑफर दिया जाता है लेकिन उनके पास इनकम का सोर्सेस कोई नहीं होता है फिर वो सब्सक्रिप्शंस नहीं ले पाते तो उनके लिए व्यवस्था की गई है यहाँ पे कि ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है इस लिंक के माध्यम से आप लोग जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोन आपको मिल जाएगा एक रुपए भी प्रोसेसिंग फीस बैंक की तरह नहीं ली जाती ना कोई इंटरेस्ट रेट एक भी रुपए अलग से आपको लिया जाता है आपको यहाँ पे किस्तों में फीस जमा करने की लोन के माध्यम से सुविधा मिल जाएगी केवल नॉमिनल कागज लगते हैं डॉक्यूमेंट लगते हैं अगर फिर भी लोन लेने में कोई दिक्कत होती है आपका लोन पास नहीं होता आप यही सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जो ट्वेंटी थर्ड जून तक है तो इसका समय तो काफ़ी कम है और इसी में आप लोग जून का महीना भी है और इसी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन कॉल मी फास्ट बहुत ज्यादा समय नहीं है मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं कल भी आपको अपना नंबर दिया था और इस पर आप फोन कर लीजिएगा फटाफट और लोन मैं आपको दिलवा दूंगा तो जिनको भी लोन के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेना है और इस कोर्स को परचेज करना है वो तुरंत फोन कर लें या मुझे व्हाट्सएप कर दें मैं उनको सारी प्रोसेस समझा दूंगा और फटाफट उनका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और बढ़िया से आराम से पढ़ें इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन मौजूद है ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट का अलग से और ये कंप्लीट छत्तीस महीने के रूप में चौबीस और बारह महीने के रूप में यानी तीन साल भी पढ़ सकते हैं दो साल भी पढ़ सकते हैं एक साल भी पढ़ सकते हैं अब अभी कुछ दिनों तक पहले यानी वन वीक के पहले ये जो यूपीएससी ऑप्शनल पेपर का अलग से अध्ययन करवाया जाता था ये यहाँ पे सबक्रिप्शन के रूप में नहीं था इसके लिए मैंने एफर्ट किया कि भाई अलग से स्टूडेंट केवल सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसे में तुरंत यह संस्थान की तरफ से निर्णय लिया गया और तुरंत अलग से आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि इसके पूर्व नहीं था बहुत पहले था लेकिन करीब दो तीन महीने से ये सबक्रिप्शन बंद था तुरंत संस्थान की तरफ से आप लोगों के लिए यह सुविधा प्रदान की गई और इसमें आपको एक साल दो साल और तीन साल का सब्सक्रिप्शन सब्जेक्ट पेपर में ले सकते हैं इसकी फीस भी यहाँ पे मेंशन है तीन साल पचास हजार दो साल चालीस हजार और एक साल के सत्ताईस हजार पाँच सौ फीस है इसमें भी आप लोग हमारा रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई बी ए हमारा नाम भी है और हमारा रेफरल कोड भी है तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मैं आपको लिंक भेजूंगा ये आपको डायरेक्ट ऐप आप के माध्यम से नहीं मिलेगा मैं आपको लिंक भेजूंगा वो ऐप पर ही ले जाएगा तो जो इसका केवल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे ये आपको ये हमारे रेफरल कोड का इसमें मेंशन करना होगा इसमें भी दस प्रतिशत की फीस की छूट आपको मिलेगी और हमारे संस्थान का जो नोट्स है दर्पण आई का मुखर्जी नगर में हमारा संस्थान है उसका भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको मेरी तरफ से जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसको लेकिन ठीक आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो बैचेस हैं जैसे सब्सक्रिप्शन आप लोग ले रहे हैं तो बैच भी चाहिए बिल्कुल फ्रेश बैच चाहिए बिल्कुल नया बैच चाहिए इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए संस्थान की तरफ से न्यूली और फ्रेश बैच प्रारंभ किया गया है यहां पे और ये बैच ट्वेंटी जून से ही शुरू हो जा रहा है अब ट्वेंटी जून से इसमें अबाधित रूप से आपकी क्लास हो इसलिए आज कल या परसों इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बढ़िया आराम से आज 21 तारीख है उसके बाद में आराम से पढ़ाई कीजिए सेशन का समय है कंप्लीट वन ईयर का बैच है कंप्लीट टू ईयर का बैच है यूपीएससी का रिवीजन बैच है फोनिक्स बैच इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ये तो इस समय फ्रेश बैचेस की बात हुई जो संस्थान की तरफ से तेईस जून को प्रारंभ किए जा रहे हैं अब आते हैं हम लोग आज के अपने 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 सिलेबस पर ठीक है ना तो तैयार हैं आप सभी लोग हाँ तो आप लोग तो कह रहे होंगे बिल्कुल सर हम तो कब के तैयार बैठे हैं तो यही तो मैं देखना चाह रहा था कि आप तैयार बैठे हैं या नहीं बैठे हैं तो बैठे हैं तो पुनः आपका स्वागत है पुनः आपका वेलकम है आज की क्लास में चलिए शुरू करते हैं हम सभी लोग शुरू करते हैं हम सभी लोग हाँ तैयार हो जाइए आप लोग तो हम लोग मौर्य कालीन इतिहास को जानने के सोर्सेस क्या है उसका हैं उसका अध्ययन करें आज हम लोग अभिलेखीय सोर्सेस पर चर्चा करेंगे तो अभिलेखीय सोर्सेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जूनागढ़ के अभिलेख को उसके बाद में अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख को पढ़ेंगे उसके बाद में अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे ध्यान से पढ़िएगा इस जूनागढ़ से इस जूनागढ़ के अभिलेख से एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है हर दूसरे साल प्रत्येक साल की बात नहीं कर रहा हर दूसरे साल इसी एक अभिलेख के माध्यम से एक प्रश्न आ ही जाता है और इसमें बहुत फैक्ट भी हैं बहुत कॉन्सेप्ट भी हैं ये भी ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात तो ये जो जूना जूनागढ़ का अभिलेख है ये किसका अभिलेख है ये आपको देखना है तो अगर जूनागढ़ के अभिलेख की बात की जाए तो ये हमें जानकारी प्रदान करता है किसके बारे में ये मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है और ये अभिलेख किसका है तो ये रुद्रदामन का है अब बात आती है रुद्रदामन कौन है तो आदमी है आदमी में क्या है शासक है शासक में किस वंश का शासक है तो ये सक वंश का शासक है अभी हम लोग मौर्य के बारे में सक यानी विदेशी आक्रांता के आक्रमण को भी पढ़ेंगे सक हैं कुषाण हैं हूण हैं इन लोगों के आक्रमण को भी पढ़ेंगे तो इसी में से एक शख्स शासक है जिसका नाम है रुद्रदामन इसी ने गुजरात के जूनागढ़ में एक अभिलेख का एस्टेब्लिशमेंट किया था और इसमें मौर्य काल के बारे में बहुत बड़ी जानकारियां मिलती हैं ये जो अभिलेख है इस अभिलेख पर लिखा हुआ है कि यह अभिलेख 150 सौ ईस्वी का है आपसे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है कि इस अभिलेख पर किस तिथि का अंकन मिलता है तो 120, 130, 140, 150 सौ ऐसे ही ऑप्शनल देता है यूपीएससी तो यह अभिलेख 150 सौ पचास का है रुद्र दामन ने इस पर 150 सौ पचास का समय अंकित करवाया है ईसबी बी नहीं अब इसी अभिलेख में उल्लेख मिलता है क्या एक झील का और इस झील का नाम है सुदर्शन झील इसी जूनागढ़ अभिलेख में जो गुजरात में है इसमें उल्लेख मिलता है सुदर्शन लेक का सुदर्शन झील का और यह झील कहां पे है यह झील जूनागढ़ में ही है यानी गुजरात में ही है अब इस झील का निर्माण किसने करवाया किस शासक ने करवाया इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया इसके ऊपर बांध किसने बनवाया इसी का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है एक बार प्रश्न ये पूछा गया बालक लोग कि ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इस जूनागढ़ अभिलेख में कुल कितने शासकों का उल्लेख मिलता है इस जूनागढ़ अभिलेख में कुल कितने शासकों का उल्लेख मिलता है तीन या चार या दो या पांच कितने शासकों का उल्लेख मिलता है जल्दी से बताइए फटाफट ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें कितने शासकों का उल्लेख मिलता है तीन चार या दो या पांच जल्दी से बताइए कितने शासकों का उल्लेख मिलता है बताइए आप सभी लोग टोटल कितने रूलर्स शासक का उल्लेख मिलता है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा भाई लाइक हाँ, like कर लेना है लाइक like कम है लाइव like ज्यादा है और शेयर भी कर लेना है क्लास को सभी लोगों को क्लास को शेयर भी कर लेना है लाइक like भी कर लेना है वेरी गुड आप लोगों के आंसर भी आ गए वाह गजब ये रही बात आप लोगों की ये रही बात आप लोगों की बताइए 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 मुन्ना यादव सबसे पहले मुन्ना मुन्ना यादव हम्म ठीक है कोई तीन बता रहा है कोई चार बता रहा है चार ज्यादा बता रहे हैं तीन कम बता रहे हैं कोई दो और पांच भी बता रहा है नहीं दो और पांच कोई नहीं बता रहा है दो और पांच कोई नहीं बता रहा है तो टोटल कितने शासकों का उल्लेख मिलता है तो ध्यान रखिएगा टोटल चार शासकों का उल्लेख मिलता है आइए देखते हैं कौन कौन से चार चार शासक हैं कौन कौन से ये चार शासक हैं आइए देखते हैं इनको तो यहां पे जो पहला शासक है वो चंद्रगुप्त तो मौर्य है पहला शासक हो गया ध्यान दीजिएगा पहला शासक चंद्रगुप्त तो मौर्य है जिसने मौर्य वंश की स्थापना की इसका इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है दूसरा शासक कौन है दूसरा शासक अशोक है इसका उल्लेख मिलता है तो दो तो मौर्य शासक ही हो गए और तीसरा अब इस वंश के अलावा दूसरे वंश के शासक का भी उल्लेख मिलता है तीसरा स्वयं रुद्रदामन है इसका उल्लेख मिलता है जो शक वंश का शासक है तीन शासक हो गए और चौथा आगे हम लोग बढ़ेंगे और गुप्त वंश के शासक अस्कंद गुप्त का उल्लेख मिलता है तो कुल इसमें कितने शासकों का उल्लेख मिलता है कुल चार शासकों का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य अशोक इसको याद कर लीजिएगा खूब पूछा जाएगा आपसे रुद्रदामन और अस्कंद गुप्त अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये जो अभिलेख है इस अभिलेख में कुल कितने राज्यपालों का उल्लेख मिलता है या गवर्नरों का उल्लेख मिलता है या प्रांतपतियों का उल्लेख मिलता है तब क्या बताओगे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इस अभिलेख में कितने राज्यपालों या प्रांतपतियों या गवर्नरों का उल्लेख मिलता है और यही विकल्प दिया जाए फिर फिर क्या होगा उत्तर बताइए जल्दी से बताइए कितने प्रांतपतियों का उल्लेख मिलता है बताइए कितने प्रांतपतियों का इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है तीन चार दो पांच कितने प्रांतपति हैं इसमें अजीत ज्योति शर्मा उर्फ पंडित जी पांच प्रांतपति कहां से आ गए बाबू हम्म नाम भी बताओगे आप नाम गिना दो फटाफट लिख के तीन सौ बाईस ओहो ये बात है तीन सौ बाईस क्या है बाबू तो देखिए चार प्रांतपतियों का उल्लेख मिलता है कितने चार प्रांत पतियों, पतियों का भी उल्लेख मिलता है ये देखिए आप पहला जो प्रांतपति है वो पुष्य गुप्त बैस है ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति है दूसरा प्रांतपति अशोक का है इसका नाम है तुषाप साप का उल्लेख मिलता है तीसरा रुद्र दामन का प्रांतपति सुबिशाख है इसका उल्लेख मिलता है चौथा अस्कंद गुप्त का राज्यपाल पणदत्त का उल्लेख मिलता है तो कुल चार शासक और उन्हीं के प्रांतपतियों का उल्लेख मिलता है पहला चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल है इस प्रांत का पर्णदत्त इसका उल्लेख मिलता है पनगत, पुष्य पुष्यगुप्त पर्णदत्त नहीं चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल है पुष्य गुप्त अशोक का राज्यपाल कौन है अशोक का राज्यपाल सुसाप है ये यवन है विदेशी है रुद्र दामन का राज्यपाल सुबिशाक है इसका उल्लेख मिलता है अस्कंद गुप्त का राज्यपाल पर्णदत्त का उल्लेख मिलता है तो चार शासक और उनके इस प्रांत के रा, राज्यपालों या प्रांतपतियों या सूबेदारों का उल्लेख मिलता है इसके अलावा इसी अभिलेख में एक उप गवर्नर का भी उल्लेख मिलता है और एक ही उप गवर्नर का उल्लेख मिलता है ध्यान रखिएगा दूसरे का उल्लेख नहीं मिलता इसी अभिलेख में जूनागढ़ के अभिलेख में अस्कंद गुप्त के प्रांतपति पर्ण दत्त के पुत्र चक्रपालित जो कि यहां का उप गवर्नर है उसका उल्लेख मिलता है ये देखिए चक्रपालित का उल्लेख मिलता है अब इस जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से इसी क्षेत्र में एक सुदर्शन लेख या झील का निर्माण करवाया था अब बात आती है कि इस लेख या झील का निर्माण क्यों करवाया था इसमें तो इस लेख या झील का निर्माण इसलिए करवाया था कि जो किसान है उस क्षेत्र के उस प्रांत के उनको अपनी खेती उनके उनको अपने खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिल जाए और उनको पीने के लिए भी पानी मिल जाए पेयजल की व्यवस्था के लिए भी सिंचाई की व्यवस्था के लिए इस झील का निर्माण किया गया और यहां पे अशोक ने इस झील का सुदर्शन झील का क्या करवाया था पुनर्निर्माण कार्य करवाया था इसके अलावा ये जो रुद्रदामन का राज्यपाल है सुबिशाख इसके ऊपर इसने बांध का निर्माण करवाया था बांध इस झील के ऊपर बांध और ये जो अस्कंद गुप्त है गुप्त वंश का शासक इसका प्रांतपति और चक्रपालित ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था कुल चार शासकों का उल्लेख मिलता है उनके चार प्रांतपतियों का उल्लेख मिलता है एक उप प्रांतपति या उप गवर्नर जिसका नाम है चक्रपालित और यह अस्कंद गुप्त का प्रांतपति पर्ण का क्या है बेटा है इसका उल्लेख मिलता है इसी में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है अब इस झील का निर्माण किसने करवाया तो आपका ये सीएम ने करवाया सीएम मतलब मुख्यमंत्री नहीं चंद्रगुप्त मौर्य सीएम का मतलब मुख्यमंत्री नहीं बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था इस झील का तो ये इस झील का इतिहास आप लोगों ने समझा अब हम लोग अशोक के अभिलेखों पर पहुंचेंगे तो ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा अशोक के अभिलेख बहुत कठिन भी हैं अब अगर हम लोग अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम देखें तो टीपन थैलर एक विदेशी खोज करता है टीफन थैलर महोदय अशोक के अभिलेखों को इन्होंने ही खोजा था अब बात आती है कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो सर्वप्रथम खोजा गया और उसी को इन्होंने टीपन थैलर महोदय ने खोजा था तो अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख इसी दिल्ली मेरठ अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा गया ध्यान रखिएगा ये अभिलेख पहले मेरठ में था अशोक का ये अभिलेख कहां था मेरठ में था लेकिन एक तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम था फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक ने इस अभिलेख को यहां से उठाया और लाके दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में जहां पे दिल्ली गेट है वहीं पे इसको, इसको करवा दिया। आज भी ये वहीं पे है तो दिल्ली में इसको स्टैब्लिश करवा दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया दिल्ली मेरठ पड़ गया और इसी की खोज सर्वप्रथम टीपन थैलर महोदय ने की थी यह अभिलेख मेरठ में था इसको फिरोज तुगलक ने दिल्ली में लाके स्थापित करवाया था फिरोज तुगलक कौन है एफ टी यह तुगलक बंश का तीसरा शासक है पहला शासक गयासुद्दीन दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक तीसरा फिरोज शाह तुगलक आपने पढ़ा हुआ है मध्यकालीन भारत में मैंने ही पढ़ाया हुआ है आगे देखिए तो पहला अभिलेख कौन है जो अशोक का खोजा गया दिल्ली मेरठ अभिलेख टीपेन थैलर ने खोजा था इसके आगे देखिए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप जो कलकत्ता टक्साल के अधिकारी ने सर्वप्रथम अट्ठारह ईस्वी में पढ़ा था अब बात आती है कि अशोक के अभिलेखों में से अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप कौन था ये अंग्रेज था ये कंपनी में क्लर्क था और कंपनी की जो कलकत्ता की टकसाल थी जहां पे सिक्के ढाले जाते थे उसी टकसाल में अधिकारी भी था और इसी ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में सर्वप्रथम पढ़ा था ध्यान रखिएगा अब इसने किस अभिलेख को पढ़ा यह भी देखिए जैसे खोजा गया पहला अभिलेख दिल्ली मेरठ है लेकिन पढ़ा किस अभिलेख को पढ़ा इसने दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था ध्यान रखिएगा दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम इसने पढ़ा था दिल्ली टोपरा ये तो थोड़ा सा अनसुना लग रहा है टोपरा दिल्ली टोपरा क्या है भाई चलो दिल्ली तो दिल्ली है दिल्ली तो कैपिटल है जो 1912 में बनी लेकिन टोपरा क्या है तो टोपरा भी एक स्थान है तो टोपरा भी क्या है टोपरा भी एक स्थान है भाई दिल्ली टोपरा दिल्ली में दिल्ली तो दिल्ली ही है और टोपरा टोपरा भी एक स्थान है तो आपको यही बताना है कि टोपरा नामक स्थान कहां है कहाँ है ठीक आपको विकल्प दे रहा हूं चिंता मत कीजिएगा विकल्प एक में लुधियाना विकल्प एक में लुधियाना है विकल्प दो में अमृतसर है विकल्प सी में आपको मिल रहा है अंबाला विकल्प डी में आपको मिल रहा है चंडीगढ़ ये टोपरा कहां स्थित है भाई जल्दी से बताइए लुधियाना अमृतसर अंबाला चंडीगढ़ ये कहा स्थित है टोपरा बताइए अकबर कोई इलाहाबाद में अभिलेख नहीं स्थापित करवाया था जिस अभिलेख को आप समझ रहे हैं वो जहांगीर है। जिसको अकबर समझ रहे हैं वो जहांगीर है बताऊंगा आपको चिंता मत कीजिए वो भी अभिलेख है लेकिन अकबर के द्वारा बनवाए गए किले में करवाया था कहां है लुधियाना में है अंकित का कहना है अजीत का कहना है नहीं नहीं चंडीगढ़ में है नेहा शर्मा अच्छा चंडीगढ़ रजनीश चंडीगढ़ कौन सा पीडीएफ नहीं सेंड किया अब ये कम से कम एक टॉपिक तो पूरा हो जाने दो तभी तो पीडीएफ सेंड करेंगे बाकी सभी पीडीएफ सेंड कर देता हूं तो डी तो उत्तर सही नहीं है डी उत्तर तो सही नहीं है फिर क्या सही होगा भाई चंडीगढ़ तो सही नहीं है बचे तीन विकल्प चंडीगढ़ तो उत्तर सही ही नहीं है फिर तीन विकल्प बचे तो इन तीनों में से अब क्या सही होगा अम्बाला अब ये जो दिल्ली टोपरा अभिलेख था ये पहले कहाँ था पहले ये टोपरा और टोपरा कहाँ है अम्बाला जिले में है ये हरियाणा में है यहीं पे स्थित था बहुत बड़ी छावनी है मिलिट्री अंबाला बहुत बड़ी छावनी है अंबाला मिलिट्री की बहुत फेमस है आज भी है तो ये जो फिरोज नामक फिरोज तुगलक नामक शासक था एफटी, फिरोज तुगलक शासक था इसने इस अभिलेख को इस टोपरा से उठवाकर दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया था स्थापित करवा दिया था और इसी अभिलेख को जेम्स प्रिंसअप ने पहली बार अट्ठारह में पढ़ा था ध्यान रखिए तो दिल्ली मेरठ अशोक का पहला खोजा गया अभिलेख था जिसको टीफेन थैलर महोदय ने खोजा था और दिल्ली टोपरा अशोक का पहला पढ़ा गया अभिलेख था जिसको जेम्स प्रिंसअप ने अठारह सो ईस्वी में पढ़ा था आगे बढ़ते हैं इस अभिलेख को भी फिरोज तुगलक ने टोपरा से अस्था, दिल्ली स्थापित स्थान दिल्ली में स्थापित करवाया था इसके अलावा प्रोफेसर डी आर भंडारकर एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डी आर भंडारकर प्रोफेसर डी आर भंडारकर साहब के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने इसने भारत के चारों कोने में अभिलेख स्टैब्लिश करवा दिए कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर डी आर भंडारकर साहब ने तो अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है अभिलेखों के आधार पर एक बार यूपीएससी कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है ध्यान रखिएगा एक बार यूपीएससी अभी 2018 या 2016 में प्रश्न पूछा है कि सिक्कों के आधार पर समुद्र गुप्त के इतिहास का वर्णन कीजिए सिक्कों के आधार पर कई प्रकार के उसने सिक्के जारी किए थे तो उसने किन किन क्षेत्रों की विजय की क्या क्या किया उसी का वर्णन करना था तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है ध्यान रखिएगा इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगर अशोक के अभिलेखों की भाषा की बात की जाए तो अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा क्या है अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा है प्राकृत ध्यान रखिएगा संस्कृत से इस भाषा का जन्म हुआ तो अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा है प्राकृत लेकिन अशोक के अभिलेखों की लिपियां क्या है कई है जैसे ब्राह्मी हो गई खरोस्टी हो गई आर्माइक हो गई और यूनानी हो गई यानी अशोक के अभिलेखों में कुल चार लिपियों का वर्णन मिलता है कुल चार लिपियों में अशोक के अभिलेख हैं ब्राह्मी खरोस्थी आर्मेक यूनानी जब आपसे पूछ लेगा कि किस लिपि में अशोक के अभिलेख नहीं है एक लिपि इसी में और आपको दे दिया गजब का प्रश्न बनता है ब्राह्मी, यूनानी ध्यान रखिएगा अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे अपनी जनता को संबोधित किया था अशोक कहीं भी जाता था तो अभिलेख स्थापित करवा देता था आज नहीं करवाते क्या लोग बताता हूँ वो भी कैसे नहीं करवाते आज तो और ज्यादा करवाते हैं। विधायक मंत्री की बात छोड़ी एक प्रधान भी अगर गांव में सड़क बनवाता है तो ये कार्य फलाने प्रधान के माध्यम से किया जा रहा है उस सड़क के मोड़ पे ही वो लगवा वही तो अभिलेख है एक पत्थर का टुकड़ा लगवा दिया या एक लोहे का स्टैंड लगवा दिया उसी में लिखवा दिया वही तो अभिलेख है मेरे भाई आप समझो बस अपनी समझ की क्षमता को बढ़ाना यूपीएससी में तो आज तो कुछ ज्यादा ही होता है भले ही निर्माण ना करवाया लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है फलाने के कोष से किया जा रहा है फलाने विधायक हैं फलाने सांसद हैं फलाने मंत्री हैं फलाने उपमंत्री हैं फलाने प्रधान हैं है, है कि नहीं जरा बताइए इस बोल के मेरी बात को आज तो ज्यादा है लेकिन अशोक पहला व्यक्ति है जो अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करता है अशोक ने अशोक के अभिलेखों में लघुशिला लेख जो सभी लघुशिलाख हैं, इन लघुशिला लेखों और सभी स्तंभ लेखों और सभी गुहालेखों की लिपि क्या है ब्राह्मी है। एक आसान बात आपको बता रहा हूं अशोक के लघु शिला लेख और सभी स्तंभ लेख पिलर एडिक्ट्स और गुहा लेख केब तो स्तंभ लेख हो गए और गुहा लेख हो गए और दीर्घ शिला लेख नहीं लघु शिला लेख थोड़ा अभी मैं समझाऊंगा इसको चिंता मत कीजिएगा इनकी जो लिपि है वो केवल ब्राह्मी ही है अशोक के दो अभिलेख हैं। एक का नाम है शाहबाजगढ़ी और दूसरे का नाम है मानसेरा ये दोनों अभिलेख कहाँ है पाकिस्तान में है और इन दोनों अभिलेखों की ही लिपि केवल खरोस्टी है और किसी के नहीं है बस अशोक का एक अभिलेख है जो तख्तशिला जो गंधार प्रदेश की राजधानी है तख्तिला में है ये आर लिपि में है अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है सर ए कुना ये कहाँ है ये इसी कंधार में है और ये दो लिपियों में है यूनानी और आर्मेक एक और अशोक का अभिलेख है जिसका नाम है लघमान ये जलालाबाद पाकिस्तान में है और ये आर्मेक लिपि में है आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको आप समझिएगा ध्यान से इसी बात को समझ लेंगे फिर अशोक का अभिलेख प्रॉपर समझ में आ जाएगा नेचुरल लैंग्वेज का मतलब आम बोलचाल की जो भाषा होती है वही नेचुरल लैंग्वेज होती है ठीक नेचुरल लैंग्वेज का मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है वही है नेचुरल अब अशोक का अभिलेख आप समझिएगा ध्यान से अशोक के अभिलेख को बड़ी आसानी से हम लोग पढ़ सकें इसलिए हमने अशोक के अभिलेखों को तीन श्रेणी में बांटा है तीन खंडों में बांटा है तीन भागों में बांटा है अशोक के अभिलेखों को पहले भाग में हमने शिला को रखा है इसका नाम होता है राक इडिप अशोक ने शिलाओं के माध्यम से पत्थरों के माध्यम से पाषाण खंडों के माध्यम से या उस पर जो लेख लिखवाया उसी को शिला के नाम से जाना गया जैसे मान लीजिए ये स्टूडियो की एक दीवार है पत्थर की बनी हुई दीवार है और इस पर मैं एक कोई लेख लिखवा देता हूं या अशोक कोई एक लेख लिखवा देता है तो राख यानी शिला पर एक लेख लिखवाता है और इस लेख के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करता है इसी को शिला लेख कहा गया इसके बाद में स्तंभ लेख अशोक के दूसरे आ, प्रकार के अभिलेख को अस्तंभ लेख के नाम से जाना गया स्तंभ लेख का मतलब पिलर होता है स्तंभ का मतलब पिलर होता है पिलर जो लंबाई जिसकी खूब ज्यादा होती है आपके घरों में उसका प्रयोग किया जाता है उसी के ऊपर लिंटल रखा जाता है जैसे सारनाथ का स्तंभ है वो पिलर ही तो है गोलाकार आकृति में होता है कनाट पैलेस आप लोग घूमते होंगे वहां हमने उस दिन दिखाया था जब पुर्तगालियों को पढ़ा रहे थे तो कैसे बनी हुई है पिलर्स पे पूरी कनाट पैलेस दिल्ली में जो पूरी एशिया की सबसे प्रसिद्ध बी, -बी मार्केट है देश की तो छोड़ो विदेशों की सारी ब्रांड वहां पे आपको मिलेंगी इसके अलावा गुहा लेख अशोक ने गुहाओं में यानी जो पहाड़ियां हैं जो पर्वत हैं, उनको काटकर अशोक ने अशोक के पौत्र दशरथ ने अभिलेखों का निर्माण करवाया और उसके अंदर की दीवारों पर कुछ रचनात्मक लेख लिखवाए इसी को गुहा लेख के नाम से जानते हैं गुहा का मतलब केव लेख का मतलब एडिक्स तो गुहा लेख के नाम से जाना गया अब ये जो अशोक के शिला लेख हैं इसको इतिहासकारों ने पुनः दो भागों में डिवाइड किया ये जो शिला लेख हैं इनको पुनः दो भागों में डिवाइड किया जो बड़े बड़े शिला लेख हैं जो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाए गए शिलाओं पर लिखवाए गए पाषाण पर लिखवाए गए उसे बड़ा कहा जाएगा यानी दीर्घ कहा जाएगा शुद्ध भाषा ये है दीर्घ और दीर्घ को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा मेजर राक कहा जाएगा दीर्घ शिला जाएगा तो कुछ बड़े बड़े हैं और कुछ छोटे छोटे हैं जो छोटे छोटे अभिलेख हैं उनको लघु शिलालेख के नाम से जाना गया और इनको माइनर राक एडिक्ट के नाम से जाना गया जो अस्तंभ लेख हैं ये कुछ स्तंभ लेख बड़े बड़े भी हैं जिनको दीर्घ स्तंभ लेख के नाम से जाना गया मेजर पिलर एडिक्स और कुछ छोटे छोटे हैं इनको लघु स्तंभ लेख के नाम से जाना गया अब समझ में आ गया इतना अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा जाता है शिला हो गया अस्तंभ लेख हो गया और गुहा लेख हो गया और इसमें से हमें सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है अस्तंभ लेख को और शिला को और गुहा लेख तो कुछ कम ही है तो हम लोग अब पहुँचेंगे शिला लेख ठीक एक एक को करके हम लोग पढ़ेंगे किताबों में ये समझ में नहीं आएगा कितनी भी किताब पढ़ लीजिए नहीं समझ में आने वाला इसलिए बिल्कुल सतर्क होकर अध्ययन कीजिएगा ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा किताबों में नहीं समझ में आएगा तो हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पे? हम लोग अब पहुंचते हैं शिला लेख शिलालेख अब इसके बारे में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझिए तभी यह समझ में आएगा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा तो ध्यान से समझिए कहा जा रहा है कि ये जो दीर्घ शिलालेख ये शिलालेख जो है इनको दो भागों में बांटा गया शिलालेख और लघु शिलालेख अब अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं वो चौदह लेखों के एक समूह हैं क्या है अशोक के जो दीर्घ शिला लेख है वो चौदह लेखों के एक समूह हैं जैसे मान लीजिए ये दीवाल है इस पर अशोक कुछ लेख लिखवा रहा है और इस पर चौदह बातें अशोक लिखवा रहा है एक अभिलेख तो यही हमारे स्टूडियो से मिल गया एक आप लोगों की तरफ से मिल गया एक किसी और की तरफ से मिल गया एक कहीं और से मिल गया तो ये जो चौदह बातें हैं इन बातों का ऐसा नहीं कि केवल इसी स्टूडियो में ही अंकन करवाया गया भाई उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है ना अशोक का तो कई क्षेत्रों में उन बातों को वो लिखवा रहा है तभी तो जनता जानेगी कि अशोक क्या लिखवा रहा है एक जगह मान लो रखवा दिया तो जनता तो पूरे भारत में स्थित है तो कई क्षेत्रों में स्थापित करवाएगा तो बड़ी जल्दी जल्दी लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि अशोक क्या कहना चाह रहा है भाई अपने अभिलेखों के माध्यम से तो कहा जाता है कि ये जो दीर्घ शिला लेख है ये चौदह सामूहिक लेख है जो कुल कितने स्थानों से मिले हुए हैं जो आठ स्थानों से मिले हुए हैं एक तो यहीं से मिल गया मान लो दूसरा कहीं और से तीसरा कहीं और से तो प्रश्न पूछता है कि कहां, कहां से अशोक के दीर्घ शिलालेख मिले हैं यही पूछता है तो आइए देखते हैं अब कहां, कहां से अशोक के दीर्घ शिलालेख मिले हुए हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा तो जैसा कि आपने देखा कि अशोक के दीर्घ शिलालेख कुल आठ स्थानों से मिले हुए हैं तो ये स्थान कहाँ कहाँ हैं और वर्तमान में इनकी लोकेशन कहां है वर्तमान में इनको किस नाम से जाना जाता है तो एक तो स्थान है शाहबाजगढ़ी इस शाहबाजगढ़ी से अशोक का दीर्घ शिला एक स्थान है मानसेरा एक है धौली एक है जौगढ़ एक है एरगोड़ी, दूसरा है सोपारा तीसरा है गिरनार और चौथा है और अंतिम है कालसी तो एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा अशोक का जो दीर्घ शिला लेख कालसी है कालसी अशोक का जो दीर्घ शिला लेख कालसी है या कलसी है कलसी कहां स्थित है ये प्रश्न ऐसे ही पूछा है छोटा सा अशोक का दीर्घ शिला लेख कलसी कहां स्थित है चलिए विकल्प देता हूं आपको ये विकल्प में उत्तर प्रदेश का वाराणसी बी विकल्प में मध्य प्रदेश का इंदौर सी विकल्प में उत्तराखंड का देहरादून डीडीएन डी विकल्प में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बताइए कहां स्थित है ये कलसी नामक अभिलेख अशोक का दीर्घ शिलालेख है कहाँ स्थित है भाई जल्दी से बताइए आप सभी लोग गुजरात तो हमने बताया भी नहीं गुजरात तो विकल्प में भी नहीं है बेटा फिर क्या होगा उत्तर दीबा खान इंदौर अभी आप गुजरात बता रहे थे क्यों कोई बात नहीं और बताइए प्रिया भारती डीडीएन ठीक है केसो चौधरी आपके नाम का तो भाई एक आई बड़ा बड़ा फेमस आईएस है केसो आपके नाम से तो अमन क्या उत्तर बताया आपने देहरादून ओके संजय हरदोई लखनऊ से हैं गलत बता रहे हैं कोई बात नहीं तो ये कहाँ है ये देहरादून में स्थित है ठीक है कलसी देहरादून में स्थित है आइए लौटते हैं पुनः देखते हैं ये देखो कलसी आप लोग देखे भी नहीं थे नकल करना भी नहीं आता देख लेते आप ये देखो देहरादून में तो स्थित है लिखा तो था कहा स्थित है देहरादून में स्थित है शाहबाजगढ़ी कहाँ स्थित है ये पेशावर में स्थित है जो पाकिस्तान में स्थित है मानसेरा ये कहाँ स्थित है ये हजारा जिला में स्थित है ये भी पाकिस्तान में है धौली कहाँ पे है भैया तो धौली उड़ीसा के पूरी ज़िले में स्थित है पूरी जिला उड़ीसा इसके अलावा ये जौगढ़ कहाँ पे स्थित है जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है जौगढ़ उड़ीसा की गंजाम जिले में स्थित है एर्रगुडी कहाँ पे स्थित है ये कुरनूल जिला कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में है यहां स्थित है सुपारा सुपारा कहाँ स्थित है थाने, थाने, थाने महाराष्ट्र में स्थित है और गिरनार तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे स्थित है जूनागढ़ शायद इसी को आप लोग बता रहे थे मिस्टर जेबा खान साहब गुजरात आपने देख लिया होगा और यहाँ थोड़ा सा छुप गया होगा इस तरीके से उधर गुजरात दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो सातवा था मुझे पता था गुजरात कहां से बोल रहे थे आप शाहबाजगढ़ी तो मानसेहरा दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं हावली जौगढ़ दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूं आपको शाहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान में स्थित हैं। हाउली जौगढ़ उड़ीसा में स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है सुपारा महाराष्ट्र में स्थित है छे हो गए दो बचे एक कलसी आपने पढ़ा वो तो देहरादून में स्थित है ही है एक कौन बचा भैया तो एक बचा यहां पे गिरनार और गिरनार गुजरात में स्थित ही है ये याद करने का तरीका है शाहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान में धौली जौगढ़ उड़ीसा में सुपारा महाराष्ट्र में एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में गिरनार गुजरात में कलसी देहरादून में ये याद करने का तरीका है ऐसे आपको भी याद हो जाएगा अब ये जो दीर्घ शिला लेख है अशोक के हमने बताया ये दीर्घ शिलालेख कुल कितने हैं अगर आपसे पूछे कि अशोक के दीर्घ शिलालेख कुल कितने हैं चौदह हैं फोर्टीन हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख कुल चौदह हैं और आठ स्थानों से मिले हैं तो स्थानों को पढ़ लिया अब ये जो कुल चौदह दीर्घ शिलालेख हैं इसमें से चौदह लेखों में किन किन बातों का अंकन करवाया गया है ये भी पूछता है यूपीएससी तो इसमें एक महत्वपूर्ण दे, बात देखिए जो अशोक का धौली अभिलेख है दीर्घ शिला जो आप लोगों ने देखा उड़ीसा से मिला हुआ है धौली जौगढ़ इस शिला लेखों पर ग्यारहवें नंबर की बात बारहवें नंबर की बात और तेरहवें नंबर की बात कुल चौदह बातें हैं चौदह अभिलेख है ना तो इसमें से ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें नंबर के समूहों का लेख नहीं मिला ध्यान से समझिएगा धौली उड़ीसा से ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें नंबर के समूह यानी अभिलेख का उल्लेख नहीं मिलता इसीलिए इसको पृथक कलिंग प्रज्ञापन लेख के नाम से जाना जाता है सेपरेट कलिंग के नाम से जाना जाता है अब यहां पे अन्य दो लेखों का उल्लेख मिलता है इसकी जगह पे जो ग्यारह नंबर बारह नंबर तेरह नंबर की बात का उल्लेख नहीं मिलता है तो कुछ विशेष बातों का उल्लेख मिलता है उसमें से पहली विशेष बात क्या है उसमें से पहली विशेष बात है कि पशु हत्या या जीव हत्या पर निषेध लगाता है अशोक पहले लेख में कहता है कि मैं अब पशु बलि अपने राज्य में नहीं होने दूंगा पशु हत्या पर प्रतिषेध लगाता है निषेध लगाता है अब हत्या नहीं होगी पशुओं की लेकिन उसी में कहता है कि विशेष अवसर पर साल में एक बार दो मोर मारे जाएंगे मोर मतलब मुरैला जिसे देसी भाषा में आप लोग बोलते हैं जिसे पीकाक बोलते हैं और आगे क्या कहता है दूसरे में देखिए इसी में उल्लेख मिलता है अशोक की दक्षिणी भारत की सीमाओं पर चार पांच राज्यों का कहता है अशोक की हमारी सीमाओं पर चोल नामक राज्य है चेर नामक राज्य है पांड्य राज्य है सतीय पुत्र राज्य है और ताम्रपर्णी राज्य है एक दो तीन चार पांच पांच राज्यों का उल्लेख मिलता है और इसी में अशोक कहता है दूसरे लेख में कि इसी में कहता है कि मैं क्या करूंगा मैं मानव के हितों को ध्यान में रखूंगा और मानव के वो अगर कोई रोग होगा कोई दोष होगा तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करूंगा अशोक कहता है कि मानव ही नहीं मैं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करवाऊंगा तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है तो दूसरे पृथक अभिलेख में मिलता है तीसरा लेख युक्त रज्जुक और प्रादेशिक जो अशोक का तीसरा अभिलेख है इसमें अशोक के तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है पहला जो अधिकारी है वो युक्त है दूसरा जो अधिकारी है वो रज्जुक है और तीसरा जो अधिकारी है उसका नाम है प्रादेशिक तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है और दूसरे में चोलचेर पांडे का उल्लेख मिलता है ध्यान रखना आगे देखिए चौथे लेख में अशोक कहता है भेरी घोष से मैं घोष में बदल गया हूं इसका मतलब क्या हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है बहुत कठिन भी है ये समझ में भी नहीं आता अशोक अपने चौथे लेख में कहता है कि मैंने भेरी घोष की स्थिति को त्याग दिया है और मैंने धम्म को अपना लिया है, है। यानी मैंने कठोरता को त्याग दिया है। अब मैं उदार हो गया हूं अब मैं खून बहाने में विश्वास नहीं करता शायद कलिंग की विजय से या कलिंग की विजय में जो रक्तपात हुआ उससे अशोक बहुत ज्यादा द्रवित हुआ और वहां से द्रवित होकर अशोक ने धम्म नीति यानी उदारता की नीति को अपना लिया तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अशोक का हृदय परिवर्तन की कि बात किस अभिलेख में दिखाई पड़ती है तो चौथे अभिलेख में दिखाई पड़ती इसमें अशोक स्वयं को भेरी घोष से धम्म घोष में बदलते हुए दिखाई पड़ता है पांचवा अभिलेख पांचवें अभिलेख में धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति करता है अब जो उदारता की बात है उसको अशोक अपने साम्राज्य में प्रसारित और प्रचारित करवाता है और उसके लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति करता है उसका नाम है धम्म महामात्र कहता है अशोक कि मेरे अभिलेखों के माध्यम से जो मैं जनता को आदेशित कर रहा हूं जनता उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है इसका निरीक्षक कौन करेगा सदाचार निरीक्षक धम्म महामात्र करेगा ये नैतिक आचार विचार का निरीक्षक भी है अशोक अपने छठवें अभिलेख में एक और अधिकारी की नियुक्ति करता है इसका नाम है प्रतिवेदक प्रतिवेदक को संबोधित करते हुए अशोक कहता है कि देखो अगर कोई मेरी आज्ञा को नहीं मानता मेरे क्षेत्रों में तो मैं उदार भले ही हो गया हूं लेकिन मैं कठोर शासक भी हूं तो आप मुझे सूचना दीजिए ये सूचना अधिकारी था प्रतिवेदक और मैं फिर देखता हूं तो प्रतिवेदक नामक अधिकारी का, का उल्लेख छठवें लेख में मिलता है सातवें लेख में धम्म पात्र का धम्म यात्रा की शुरुआत करता है अशोक सातवें अभिलेख में हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक जब धम्म नीति को अपनाता है तो उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए वो यात्रा भी करता है वो बोध गया जाता है वो लुम्बिनी बन जाता है वो अन्य क्षेत्रों में जाता है और वहां के नागरिकों को संबोधित करता है अशोक जब लुम्बिनी बन गया जब बोध गया गया, जब रुमिन दई गया तो वहां की जनता से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि वो महात्मा बुद्ध जी का स्थान था तो जब रुमिन दई गया तो वहां पे जो भू राजस्व मौर्य सम्राट लेते थे वो एक बटा छ के रूप में लेते थे तो वहां के लोगों से प्रभावित होकर वहां के कर को थोड़ा कम कर दिया था एक बटा छह से और कम कर दिया था एक बटा आठ कर दिया था तो रुमिन दई कादई धन देई किसके रूप में कर के रूप में कर घटा दिया ग्यारहवा लेख इसमें धम्म नीति का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है बारहवां अभिलेख इसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की जाती है ये प्रश्न पूछा है अशोक की किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है धार्मिक सहिष्णुता का क्या मतलब है अशोक अंतिम दिनों में बुद्धिज्म को अपना लेता है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है लेकिन अशोक अपने बारहवें अभिलेख में कहता है कि मेरा धर्म तो बुद्धिज्म है मैं शैव धर्म का अनुयायी था भगवान शिव की पूजा करता था यह कलहण की राज तरंकड़ी में साक्ष मिलता है कि अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था फिर महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म का अनुयायी बना और फिर उसने एक नया धर्म धम्म के रूप में शुरू किया तो अशोक अपने बारहवें शिलालेख के माध्यम से करता है कि भारत कहता है कि जो भारत में जैन धर्म है बौद्ध धर्म है शैव धर्म है वैष्णव धर्म है मैं सभी धर्म के सार में वृद्धि की बात करता हूं मैं धार्मिक सहिष्णुता की बात करता हूं यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देगा आज भी तो यही है आज भी तो राज्य का कोई धर्म है नहीं आप लोग पढ़ते होंगे मौलिक अधिकारों में धार्मिक निरपेक्षता का अधिकार और उसमें यही तो कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है राज्य की नीतियों का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्षता का है राज्य किसी धर्म से प्रभावित हुए बिना अपने नीतियों का प्रचार प्रसार करेगी उसको लागू करेगी यही तो कहा गया है तेरावा अभिलेख तेरहवा अभिलेख इसी में कलिंग के युद्ध का वर्णन है अशोक ने कलिंग का युद्ध दो ईसा पूर्व में किया था क्यों किया था मैं आपको बताऊंगा अशोक को जब पढ़ाऊंगा तब और इसमें जो रक्त पात हुआ था उससे अशोक का हृदय अत्यंत रूप से बेहवल यानी द्रवित हो गया था अशोक अब इस खून खराबे की नीति को त्याग देता है यानी भेरी घोष की स्थिति को त्याग के धम्म घोष की स्थिति को अपना लेता है तो इस कलिंग का युद्ध जो वर्णन मिलता है इसका अशोक तेरहवें दीर्घ शिलालेख में मिलता है ये सभी दीर्घ शिलालेख हैं ये भी ध्यान रखना ये क्या है ये सभी दीर्घ शिलालेख हैं बड़ा कठिन है लेकिन बड़े शांति प्रिय अंदाज से आप लोग पढ़ रहे हैं ये काबिल तारीफ है बड़े शांतिप्रिय प्रिय तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है बहुत कठिन है समझ में आता ही नहीं खास बात यह है एक दो तीन बार में ये समझ में ही नहीं आता आगे बढ़ते हैं तो ये हो गए दीर्घ शिला लेख दीर्घ शिला लेख अब पहुंचते हैं हम लोग लघु लेख पर जो लघु लेख हैं तो लघु शिलालेख अशोक के अनगिनत हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ेंगे तो एक तरफ अभिलेख का नाम है इनकी लोकेशन कहाँ पे है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं ये हम लोग देखेंगे तो दीर्घ शिला लेखों अशोक के शिला लेखों को दो भागों में बांटा गया दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख तो दीर्घ शिला लेख को हम लोगों ने पढ़ लिया अब लघु शिलालेख पे पहुंचते हैं तो लघुशिला लेख आपको कहां पे मिलेगा मास्की में मिलेगा ये मास्की कहां है ये कर्नाटक में है और इसमें किस बात का उल्लेख मिलता है इसमें उल्लेख मिलता है ही अशोक महात्मा बुद्ध को बुद्ध साक्य कहता है और इसी वजह से स्वयं भी बुद्ध साक्य कहा जाने लगा तो अशोक को बुद्ध साक्य कहा गया है कहा, कहा गया है मास्की के अभिलेख में कहा गया है जो कर्नाटक से मिला है गुर्जरा अभिलेख ये कहां से मिला है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिला हुआ है और इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है अशोक का नाम अशोक मिलता है चार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है देखिए मास्की हो गया गुर्जरा हो गया नेतुर हो गया उलेगोडम हो गया इन चार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है ध्यान रखिएगा मास्की गुर्जरा नेतुर उलेगोडुम में इन चार अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है अशोक अशोक के कई नाम तो मास्की गुर्जरा नेतुर उलेगोडुम में अशोक का नाम वास्तविक नाम अशोक मिलता है ठीक इसका ध्यान रखिएगा यही है ये यह हो गया मास्की ये है गुर्जरा ये है नेतुर और ये है उलेगुडुम तो नेतुर कहाँ है मैसूर में है और उलेगुडुम कहाँ है ये बेल्लारी में है यही वो बेल्लारी है जहां से सोनिया गांधी तो चुनाव लड़ती हैं यही वो बेल्लारी है अक्सर चुनाव लड़ती हैं राय बरेली से तो चुनाव लड़ती हैं बल्लारी से भी चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं तो यही वो कर्नाटक का बेल्लारी है जो कांग्रेस का गढ़ है ध्यान रखना आप सभी लोग अब इन चार अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है अशोक मिलता है ध्यान रखिएगा और मास्की में एक नाम और मिलता है किसी अभिलेख में हो सकता है दो नाम मिले तो थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जला के रखना है हाँ जैसे मास्की में अशोक को बुद्ध साक्य भी कहा गया ठीक ये देखो अच्छा नाम है रूपनाथ रूपनाथ किसी का नाम है रूपनाथ मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम हो सकता था लेकिन वो ऐसा रूप ही नहीं है भाई जिसका रूप बढ़िया होगा उसी को तो रूपनाथ कहा जाएगा रूपों के नाथ बराबर रूपनाथ तो ये कहां से मिला है ये जबलपुर से मिला है इसके अलावा ये देखो सहसा राम अभिलेख है और ये कहाँ से मिला ये शाहबाद जिला बिहार से मिला है ये महत्वपूर्ण तो है भारबू बराट अभिलेख ध्यान रखिएगा भारबू बराट जो अभिलेख है यह जयपुर से मिला हुआ है और इसमें किस बात का वर्णन मिलता है इसमें अशोक को देवानाम प्रियदर्शी राजा कहा गया है भारवू बैराट के अभिलेख में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी राजा कहा गया है क्या कहा गया है देवानाम प्रियदर्शी राजा के नाम से संबोधित किया गया है रूप की देवी हाँ तीन रूप की देवी का मतलब तीन सौ उनहत्तर आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ लीजिएगा भागिएगा मत नहीं तो फिर यह तैयार नहीं होने वाला अब हम लोग पहुंचते हैं अशोक के स्तंभ लेख पे और जो लोग नए शामिल हो रहे हैं वो लाइक भी करते जाएं शेयर भी करते रहें क्लास को अशोक के स्तंभ लेख तो दीर्घ शिला लेख को पढ़ लिया हम लोगों ने स्तंभ लेख पे पहुंच चुके हैं स्तंभ लेखों को भी दो भागों में बांटा गया है एक है बृहद स्तंभ लेख और दूसरे हैं लघु स्तंभ लेख तो बृहद स्तंभ लेख अगर देखोगे आप लोग तो कुल कितने आपको मिलेंगे कुल छह आपको मिलेंगे और ये लघु स्तंभ लेख कुल आपको पांच मिलने ठीक स्तंभ लेख ये है दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा तो ये वही हमने आपको बताया था दिल्ली मेरठ जिसको सबसे पहले खोजा था टीपे महोदय ने और ये वही दिल्ली टोपरा है जिसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अठारह में पढ़ा था और ये अभिलेख पहले मेरठ में था और मेरठ से इसको उठाया और फिरोज तुगलक ने दिल्ली में दिल्ली गेट यानी फिरोज कोटला मैदान में स्थापित करवाया इसीलिए तब से इसका नाम क्या पड़ गया दिल्ली मेरठ अभिलेख पड़ गया और टोपरा ये हरियाणा के अंबाला जिले में था टोपरा नामक स्थान और यहां से उठवाया अशोक के अभिलेख को और इसको पुनः फिरोज तुगलक ने कहा स्थापित करवाया फिरोज शाह कोटला दिल्ली के मैदान में स्थापित करवाया दिल्ली गेट के बिल्कुल सामने आज भी लगा हुआ है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया दिल्ली टोपरा पड़ गया एक है लौरिया अरराज ये कहा है? में है। लौरिया अरराज अस्तंबलेख ये कहा है ये पश्चिमी चंपारण कहा है बिहार में है पश्चिमी चंपारण या उड़ीसा में है पश्चिमी चंपारण कहा है भाई क्या होना चाहिए रूप नहीं होना चाहिए प्यार होना चाहिए ये आकृति किसका कहना है ये आकृति का कहना है कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली रूप से कुछ नहीं होता किससे होता है दिल बड़ा होना चाहिए स्नेह बड़ा होना चाहिए प्यार बना होना चाहिए बड़ा होना चाहिए कितनी बड़ी बात बोली है। तो इन्हीं की बातों का पालन करना है और पालन करते हुए आगे बढ़ना है आपस में प्रेम और स्नेह बनाए रखना है आगे बढ़ते हैं लौरिया नंदनगढ़ ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है और रामपुरवा कहाँ स्थित है यह भी पंचमी चंपारण में स्थित है तो लौरिया और राज लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये तीनों पश्चिमी चंपारण में स्थित हैं और एक प्रयाग अब इसी की बात कोई पहले कर रहा था और कह रहा था कि इसको अकबर ने स्थापित करवाया था ना बाबा अकबर ने नहीं अशोक ने स्थापित करवाया था लेकिन वर्तमान में ये प्रयाग है और इसका नाम क्या था इसका नाम प्रयाग स्तंभ लेख था तो ये जो प्रयाग स्तंभ लेख था ये पहले कौशाम्बी में स्थित था लेकिन अकबर के पुत्र सलीम यानी जहांगीर यानी शेखु बाबा ने जब वो इलाहाबाद के दौरे पर था तो कौसाम्बी से उस अभिलेख को उठवाकर अकबर द्वारा बनवाए गए इलाहाबाद के किले में स्टैब्लिश करवाया और आज भी है और इसी कौसाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है जो प्रयाग के अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है ठीक ध्यान रखिएगा आप लोग सांची का स्तंभ लेख हो गया ये लघु स्तंभ लेख में है सारनाथ है कौशाम्बी है रोमेन्दी है निगाली सागर ये दोनों नेपाल की तराई में है ये वही कौशाम्बी है और ये सारनाथ और ये सांची ये पांच क्या हैं? ये अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं जो इन पांचों स्थानों से मिले हुए हैं अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य बातों को अब इन जो बृहद स्तंभ लेख की बातें हैं ये क्या हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे बृहद स्तंभ लेख तो ये जो बृहद स्तंभ लेख हैं ये कुल कितने हैं ये कुल सात हैं और छह स्थानों से मिले हैं जो हमने आपको बताया जैसे दीर्घ शिला लेख आपने पढ़ा कि कुल चौदह हैं और आठ स्थानों से मिले हैं वैसे बृहद स्तंभ लेख कुल सात हैं और छह स्थानों से मिले हैं तो वहां पे मुख्य मुख्य बातों को पढ़ा और यहाँ पे भी मुख्य मुख्य बातों को पढ़ लेते हैं तो पहले लेख में क्या कहा था अशोक ने पहले लेख में धम्म के अनुसार शासन करना है अशोक ने कहा जो धम्म नीति कहती है जो धम्म कहता है अशोक का उसी के हिसाब से अशोक शासन करेगा इसके बाद में दूसरे अभिलेख में धम्म क्या है इसके बारे में बताया है जो अशोक का दूसरा पिलर एडिट है यानी स्तंभ लेख है उसमें अशोक स्वयं से प्रश्न पूछता है कि मैं क्या हूं और मेरा धम्म क्या है अशोक स्वयं से प्रश्न पूछता है कि कियम अशोक स्वयं से प्रश्न पूछता है कि कियम चम्मे च धम्मे यानी धम्म क्या है अशोक स्वयं से प्रश्न पूछाता है दूसरे पिलर एडिक्स में कि धम्म क्या है और स्वयं उत्तर भी देता है अशोक कहता है आंसर के रूप में कि धम्म है अपासनबे क्या है धम्म है अपाशिन ध्यान से समझिएगा इसको बहु कयानी दया दानी सची सूचवी माधवी साधवे चा धम क्या है अपा सिनबे बहु कयाने दयादाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा यही धम्म है देखो कितनी बड़ी बात अशोक ने कही अपा सिंहबे मतलब हम लोगों को बहु कयाने मतलब बहुत कल्याणकारी काम करने चाहिए या कई प्रकार के कल्याणकारी काम करना चाहिए उन कल्याणकारी कामों में से पहला काम लोगों के ऊपर मर्सी यानी दया दिखानी चाहिए जीवों के ऊपर दया दिखानी चाहिए और लोगों को दान भी करना चाहिए ट्रस्ट ट्रस्टी भी बनना चाहिए लोगों को उनकी जीवन रेखा चलाने के लिए जो बड़े लोग हैं उनको दान करना चाहिए महात्मा गांधी ने आगे चल के इसी को तो इसी का विस्तार किया और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया और ट्रस्टी शिप के अंतर्गत महात्मा गांधी ने कहा मैं ये नहीं कहता कि उद्योगपति सारा धन भारत को दे दें वो अपने कामकाज के लिए एक रिजर्व राशि रख लें जो कमाए हुए हैं लेकिन बाकी का कम से कम सत्तर प्रतिशत हिस्सा सरकार को दे दें और सरकारें या जनता को स्वयं दे दें ट्रस्ट बना के जिससे जनता का भी कल्याण हो गांधी जी ये बात कहते हैं और आप अपने लिए भी धन रखे रहें क्या गलत कहा इससे सबका विकास होगा सब आगे बढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा पैसा कहीं इकट्ठा कमरे में बंद नहीं रखेगा जब पैसा चलता है ना तो देश आगे चलता है अगर वो बंद है तो देश बंद है भाई किसी के पास पैसा हो गया किसी के पास बीस करोड़ पचास करोड़ और वो कमरे में बंद करके रखा हुआ है वो उसका गद्दा बनवा के सोता है तो मार्केट में प्रचलन में नहीं है तो प्रचलन में नहीं है तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या आगे बढ़ेगी क्या उसमें रफ्तार आएगी क्या नहीं आएगी क्योंकि पैसा चल ही नहीं रहा जब पैसा चलता है तो देश विकास करता है और पैसा चलाता है ये ट्रस्ट ये ट्रस्ट की सिद्धांत तो दया दानी सचे सोच हुए व्यक्ति को हमेशा सच ही सोचना चाहिए अच्छा सोचना चाहिए और दूसरे को ये भी कहना चाहिए कि आपको हमेशा कैसा सोचना है अच्छा सोचना है जिससे जनता का कल्याण हो माधवे साधवे चा माधवे माधवे मतलब मधुर बोलना चाहिए व्यक्ति को कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए मधुर मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए आप लोग कभी कभी झगड़ते रहते हैं थोड़ा सा क्यों तो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए ऐसी ऐसी भाषा बोलिए कि मन का आपा खोए आप खो आपको फील हो कि वास्तव में आपने कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग दूसरे के लिए किया है ये पहले स्वयं को लगेगा बाद में सामने वाले को लगेगा आपको लगेगा वाह मैं क्या बोल गया मन का आपा खोए, और को शीतल करे दूसरे को बिल्कुल ठंडा कर देगा आपों शीतल होए, स्वयं भी ठंडे हो जाएंगे तो ये है क्या माधवे साधवे का मतलब क्या है साधु का बेस हमेशा अपनाना चाहिए व्यक्ति को एक धोती और लंगोटी में रहना चाहिए ज्यादा सूट वूट नहीं पहनना चाहिए यह है अशोक का धम्म अशोक दूसरे अभिलेख में स्वयं कहता है कि धम्म क्या है और उसका उत्तर भी देता है यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है ध्यान रखना आप सभी लोग आपसे प्रश्न पूछ सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पूछ रहा है रामगुप्त का वर्णन कहां मिलता है देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है उसी में वर्णन मिलता है आइए लेकिन यहां पे आगे बढ़ते हैं तीसरे अभिलेख में हम लोग पहुंचते हैं तीसरे अभिलेख में देखिए तीसरे अभिलेख में अशोक आत्म परीक्षण की बात करता है स्वयं तो को व्यक्ति को कभी कभी अपना परीक्षण भी करना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं, आप में कितनी क्षमता है आपने आज क्या पढ़ा क्या आपने चार घंटे की पढ़ाई और उसके अनुसार उस टॉपिक को याद करने का निश्चय किया हुआ था प्रण किया हुआ था कसम खाई कसम खाइए ना ये आज हम इसको पढ़ेंगे ही फिर वो कसम आपको बाहर नहीं निकालेगी कब खाएंगे कसम भाई जब अधिकारी नहीं बन जाएंगे और रेड सिग्नल उम्र का मिल जाएगा तब कठिन चीज है यूपीएससी इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है आप लोग क्या समझ रहे हो पूरे विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा है सबसे ज्यादा तो लोग भागीदारी इसमें करते हैं ध्यान रखिएगा इतना आसान नहीं है लेकिन जब मेहनत करने लगेंगे ना तो आपको फील होने लगेगा वो और आपका बिना मेहनत किए मन ही नहीं लगेगा फिर आपको वो आसान लगने लगेगा तो आत्म परीक्षण की बात करता है अशोक अशोक की बातों को लागू कीजिए देखता हूँ कैसे आई नहीं बनेंगे चतुर्थ लेख मौत की सजा प्राप्त को तीन दिन की मोहलत दी जाएगी अशोक संबोधित करता है जनता को और कहता है कि जिनको मौत की सजा मिली हुई है मृत्यु दंड मिली हुई है उसको अगर सजा पूरी हो जाएगी तो तीन अन्य दिनों की मोहलत मिलेगी उसे तीन दिन और जिंदा रखा जाएगा उसे इसके अलावा अशोक पांचवें लेख में क्या कहता है पांचवें लेख में अशोक कहता है कि जीवों की हत्या पर निषेध लगाया जाएगा छठे में कहता है सभी संप्रदायों के सारे की वृद्धि की जाएगी जो भी धर्म है और उनके सेक्ट हैं यानी संप्रदाय हैं उनके सार में हमेशा वृद्धि की बात अशोक करता है एकांगी बात कभी नहीं करता अशोक ये भी ध्यान रखना और अशोक सातवां लेख सातवां लेख कल्याणकारी कार्य का अशोक यहीं पे वर्णन करता है इसमें ये जो दूसरा अभिलेख है और दूसरे एवं सातवें अभिलेख है इसकी एक मुख्य बात बता रहा हूं जो हमसे इंटरव्यू में पूछा गया है ध्यान पूर्वक सुनिएगा 2011 में जब हमने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो उसमें चेयरमैन जो थे वो असम विश्वविद्यालय के थे इतिहास विभाग का अध्यक्ष और एक मैडम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से थी बड़ी हेल्प की मैडम ने जो हमारे बोर्ड के मेंबर थे बड़ी इजली तरीके से परिचय करवाया कि ये फलाने हैं पांडे जी हैं संजीव जी हैं अमेठी से हैं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा निकाला मुख्य परीक्षा निकाला और आप लोगों के सामने इंटरव्यू के लिए आए हैं आप लोग इंटरव्यू लीजिए शुरुआत किया मैडम ने पहला प्रश्न इतिहास इतिहास से ही दागा सीधे सीधे ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में पहला प्रश्न आया था सीधे ब्रह्मोस आकाश उकाश नहीं चली और कहा बेटा ये बताओ कि अशोक और अकबर में से कौन ज्यादा महान था ये उनका सिंपल प्रश्न था मैंने सोचा आखिर मैडम इस प्रश्न के माध्यम से जानना क्या चाह रही तो मुझे पता चल गया ये बड़ी दूर तक अब हमसे बात करने वाली तो मैंने सोचा कि मैडम बड़ी दूर तक बात ना करें इसलिए हमने कहा कि मैडम दोनों महान थे थोड़ा हो होके हमने बता दिया मैडम दोनों महान थे उन्होंने कहा आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मैंने कहा भैया आप तो ये जानेंगे ही पक्का उन्होंने कहा मैंने ये पूछा अब देखो यही ध्यान आपको देना है बिल्कुल टू द पॉइंट आपको रहना है मैंने ये पूछा कि अशोक या अकबर में से कौन ज्यादा महान था अशोक या अकबर आप उसको बताइए मैंने कहा अब बच पाना मुश्किल है मैंने कहा अशोक तो जो असम यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने कहा कैसे अब दूसरी तरफ वो प्रश्न चला गया दूसरे के हाथ में चला गया प्रश्न उन्होंने कहा कैसे काउंटर प्रश्न कर लिया मैंने कहा सर जो काम अशोक ने बिफोर क्राइस्ट में किया ईसा पूर्व में किया उसके बहुत दिनों बाद हजारों वर्षों बाद अकबर वो काम करता है और वही काम करता है तो कम से कम इस नाते तो अशोक को ज्यादा महान माना जा सकता है क्योंकि जो काम अशोक अशोक बहुत पहले कर रहा है उसको काफी बाद में अकबर कर रहा है तो उन्होंने कहा आखिर कौन सा काम है तो मैंने कहा मैडम किसी व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व और उसके द्वारा किए गए लोकोपकारी और कल्याणकारी कार्य महान बनाते हैं उन्होंने कहा आपका मतलब क्या है मैंने कहा जो काम अशोक ने किया प्राचीन काल में उसकी झलक अशोक के अभिलेखों में दिखाई पड़ती है अब सीधे साक्ष पे आ गया टू द पॉइंट में भी बात करने लगा मैंने कहा अशोक अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में कहता है कि और अपने प्रतिवेदक नामक अधिकारी को संबोधित करते हुए कहता है कि अगर मैं शयन कक्ष में विश्राम कर रहा हूं अगर मैं स्नान घर में स्नान कर रहा हूं या कोई अन्य कार्य कर रहा हूं या अपने घर में हूं तो आप यानी आप हमारे प्रतिवेदक हमें सूचना दें कि हमारे देश में कौन दुखी है किसके साथ अन्याय हो रहा है किसके साथ प्रारंभ है मैं अपने उस व्यक्तिगत काम को छोड़ दूंगा और जनता के काम में इन्वॉल्व हो जाऊंगा मैं अगर भोजन कर रहा हूंगा तो भोजन करना छोड़ दूंगा मैं अगर उस समय नद्रा में रहूंगा तो उस नद्रा या सैन कक्ष से तुरंत उठ जाऊंगा और जनता के काम में लग जाऊंगा मैंने कहा मैडम कि ये काम अशोक को महान बनाता है और ये काम अकबर ने नहीं किया अकबर अगर सो रहा है तो फिर सो रहा है और आज के शासक हाँ सीएम का सोने का समय है दरवाजे पे बैठे रहिए डीएम साहब सीएम साहब के सोने का समय है निद्रा टूट जाएगी आप लोग ही कहेंगे वहां पे अधिकारी के रूप में आपकी ड्यूटी लगती है किसी और की नहीं लगती कोई और नहीं कहने वाला आप ही कहेंगे और आपका ही मित्र मिलने आएगा नहीं सीएम साहब के सोने का समय है डीएम साहब समझ लीजिए आप मंत्री साहब का अभी सोने का समय हाँ हाँ डिस्टर्ब मत करना ऐसा होता भी है क्या करें बड़ी मुश्किल से तो नींद आती है और वह नींद भी टूट गई तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी तो अकबर सोता रहता था उसका एक निश्चित समय होता था उस बीच में वो कोई काम करता नहीं था अगर वो अपने हरम में है तो हरम में रहेगा तो रहेगा तो मैडम ने कहा कि कुल मिला इसका सार बताइए तो मैंने कहा मैडम कि अशोक ने अपना व्यक्तिगत समय जनता के ऊपर न्यौछावर कर दिया अपना व्यक्तिगत समय जनता के ऊपर न्यौछावर कर दिया और अकबर ने ऐसा नहीं किया इसीलिए अशोक ज्यादा ग्रेट है और अकबर कम ग्रेट है तालियां बजी थी, थी तालियां इस प्रश्न पे सदस्यों के बीच में तालियां बजी थी और बाद में यह सूचना मिली कि यह प्रश्न कई लोगों से पूछा गया मुझे खुद सूचना मिली और एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को बताया भी कि गजब का उत्तर दिया बंदे ने तो सोच लीजिए आप लेक्शन ऊपर वाले के हाथ में होता है उसका कहना था कि आप जाइएगा और बच्चों को अधिकारी बनाइएगा हमने आपको अधिकारी बनने के लिए नहीं बनाने के लिए भेजा है और शायद मुझे अब फील होता है मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इधर आ जाऊंगा तो उसकी महिमा कौन जाता है उसको स्वीकार करना पड़ता है आइए आगे बढ़ते हैं अशोक के अब अब गुहा लेखों को देखते हैं गुहा लेख केब एडिक्स तो राक एडिक्स हो गए पिलर एडिक्स हो गए अब हम केव एडिक्स पे पहुंचते हैं ठीक अब हम लोग कहां पहुंचते हैं केब एडिक्स पे पहुंचते हैं थोड़ा जल ग्रहण किया जाए ना हम्म और एक इस मंच के माध्यम से जैसा कि एम्स के डायरेक्टर लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी छह सात हफ्तों में ही आएगी किसकी कोविड की इसलिए क्योंकि तो हमने इस कोविड में अपनों को खोया है ग्रहण हमारे ऊपर भी लगा लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई तो जहां भी रहे हमेशा सतर्क रहे मास्क लगा के रखें डीएम बनना है आपको इसलिए आईएस बनना है इसलिए तो जब रहेंगे तभी तो बांसुरी बजेगी तो सचेत रहिए स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और वैक्सीनेशन करवाही लीजिए कम से कम एक डोज तो करवा ही लीजिए आप सभी लोग प्राकृत और इसकी लिपि ब्राह्मी है जितने भी अशोक और इसके पौत्र दशरथ के अभिलेख यानी गुहालेख हैं उनकी जो भाषा है वो प्राकृति है एक ही भाषा है प्राकृत और एक ही लिपि है ब्राह्मी ये जो सम्राट अशोक जिसका जिसके नाम के बाद में महान शब्द लगता है इसने बिहार आप लोग पहुंचेंगे तो यहां पे बराबर की पहाड़ी है ये बिहार के साथ गया और नालंदा जिले के आसपास में बराबर की पहाड़ी इसी बराबर की पहाड़ी पर अशोक ने कई गुहा लेखों का निर्माण करवाया यानी गुफाएं थी उन गुफाओं को काटा और गुफाओं को काटने के बाद में कुछ वहां पे लेख लिखवा दिए। और इन गुफाओं को बनवाकर अशोक ने दान में दे दिया जो संत हैं, महात्मा हैं, ये लोग देखो तो गुफाओं के अंदर में ही रहते हैं जो नागा साधु बड़े बड़े हैं पहाड़ियों पे रहते हैं पता नहीं चलता जब कुंभ वगैरह आता है तो निकलते हैं ये लोग और इसमें कई गुफा है एक सुदामा गुफा है एक कर्ण चौपार गुफा है और एक विश्व झोपड़ी गुफा है इन तीन गुफाओं का अशोक ने निर्माण करवाया कालांतर में अशोक का जो पौत्र है जिसका नाम दशरथ है इस दशरथ ने भी कई केव एडिक्स का निर्माण करवाया लेकिन इसने इस बराबर की पहाड़ी पर नहीं नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया नागार्जुनी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है बराबर की पहाड़ी बिहार में है इन गुफाओं में से एक गोपी की गुफा है और एक बड थिका या बड बिका गुफा है और एक लोमर्स ऋषि की गुफा है ये तो एनसीईआरटी में इसका पिक्चर भी आपको मिलता है लोमर्स ऋषि की गुफा जिसका निर्माण दशरथ ने करवाया था तो ये गुफाएं हैं ये गुहाएं हैं ये केव एडिक्स के रूप में है ठीक तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा अशोक की केवल तीन गुफाएं हैं और इस दशरथ की तीन गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा गोपी बढ़वीथा और लोमर्स इसकी सुदामा गुफा हो गई कर्ण चौपार हो गई और विश्व झोपड़ी गुफा हो गई अशोक की जो बराबर की पहाड़ी पर है। जो कहाँ पे स्थित है जो बराबर की पहाड़ी पर स्थित है ठीक है ध्यान में रखिएगा इसको तो ये हो गया एक तरीके से मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का स्रोत अच्छा हाँ अभिषेक आप तो वहीं के हैं आप तो वहीं के हैं बड़ी अच्छी बात हम्म आप वहीं के हैं ठीक हाँ ये बड़ी अच्छी बात है आप वहीं के हैं अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए अब राजनीतिक इतिहास पढ़ा जाए जल्दी बताइए एस या नो राजनीतिक इतिहास पढ़ा जाए बताइए मौर्य शासकों का अध्ययन किया जाए आगे बढ़ें जल्दी बताइए यस सर वेरी गुड यस सर अच्छा वर्ड हिस्ट्री पढ़ना है क्या अच्छा अच्छा पढ़ाऊंगा वर्ड हिस्ट्री चिंता मत कीजिए बड़ी जल्दी ही पढ़ाऊंगा मेरा कोई बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं रुका था दो बार हमने इंटरव्यू दिया एक बार फोर्टीनथ नंबर से रुका और एक बार छः नंबर से रुका था 2011 में 6 नंबर से रुका था और इंटरव्यू में नंबर कम मिला था जबकि इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ था और वहीं पे हमारे साथ के जो 2011 के थे अब किसी को हमें 120 नंबर मिला 175 नंबर पाने वाला डायरेक्ट आईपीएस बना और आई बने जबकि इंटरव्यू सबसे अच्छा हमारा हुआ और कई लोग तो हमारे मित्र थे सब गलत बता बता के आए ऊपर वाला नहीं चाहता था बस और क्या अब हम लोग मौर्यों के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे तो राजनीतिक इतिहास में हम लोग कुल तीन मौर्य शासकों का अध्ययन करते हैं एक है चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार है बिंबसार नहीं बिंदुसार देखो लिखा है बिंदुसार चूंकि बिंबसार हरियक वंश का शासक है और तीसरा बिंदुसार का पुत्र अशोक इन्हीं तीनों शासकों का हम लोग अध्ययन करेंगे ये देखो अशोक का तेज देखो आप अशोक का तेज और इसका मुखड़ा आप लोग देखो देख रहे हो आप कॉन्फिडेंस देखिए अशोक इसका पिता बिंब इसका पिता बिंदुसार इसका पता बिंदुसार ये वैसे राजा लगता है किंग ये देखो जिसने भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया जिसने भारत में पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया इसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखिए कितना बड़ा तप इसने किया होगा सोचिए आप लोग तो ये चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक है तीन से दो ईसा पूर्व का इसका समय काल है ठीक इसके बाद में दो से तिहत्तर ईसा पूर्व का समय इसके पुत्र बिंदुसार का है तीसरा अशोक का समय है दो ईसा पूर्व से दो ईसा पूर्व हालांकि अंतिम जो मौर्य शासक रहता है वो एक बीसी तक शासन करता है और इसका नाम क्या है इसका नाम है दशरथ इसका नाम क्या है भैया इसका नाम है दशरथ एक लेकिन वो उत्तरकालीन मौर्य शासक आएंगे ये मुख्य मौर्य शासक तीन ही है ध्यान रखना पहला मौर्य शासक जिसने मौर्य वंश की स्थापना की उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम मौर्य शासक दशरथ नहीं अंतिम मौर्य शासक कौन है भाई बृहद्रथ अंतरिम मौर्य शासक कौन है बृहद्रथ इसी की पुष्यमित्र सुंग ने हत्या की और हत्या करने के बाद में मौर्य वंश को समाप्त किया और भारत में एक नवीन वंश की स्थापना की जिसका नाम था सुंग वंश जिसका नाम था क्या सुंग वंश जिसका नाम था ठीक हाँ ठीक आगे बढ़ते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पर आते हैं 322 से दो सौ ईसा पूर्व का समय काल है इसका जन्म कहां हुआ था इसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो गंगा सोन और गंडक नदी के किनारे स्थित था इसकी उपाधि है भारत का मुक्तिदाता मुद्रा राक्षस में इसकी उपाधि मिलती है और इसे देवता के नाम से पुकारा गया है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की एक कृति है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस इसी में मौर्यों के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है और ब्रसल का मतलब होता है निम्न मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए देवता शब्द का प्रयोग किया गया है इसकी उपाधि है भारत का मुक्तदाता इसका मतलब क्या हुआ कोई समझाए मुझे जरा थोड़ा सा तो समझा तो सकते नहीं लेकिन जरा सोचो कि इसका मतलब क्या हो सकता है भारत का मुक्तिदाता इसको उपाधि क्यों दी गई लोगों द्वारा ये जो भारत है इसकी पश्चिमी सीमा पर सिकंदर या अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी आक्रमण करता है और सिकंदर या अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी का नाम है सेलुकस इस सेलुकस से एक युद्ध होता है 305 सौ पांच बीसी में या चार बीसी में मैं पढ़ाऊंगा जिसको भारत का युद्ध कहा जाता है द बैटल ऑफ इंडिया सोचिए आप उस युद्ध का नाम ही द बैटल ऑफ इंडिया है भारत का युद्ध इसमें एक तरफ सीएम यानी चंद्रगुप्त तो मौर्य है और दूसरी तरफ एलेक्जेंडर या सिकंदर या मकदोनिया का शासक उत्तराधिकारी सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्लू का शासक है ये भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना दावा करता है कहता है हमारे पितामा ने आपके क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था उसको मुझे दो सिकंदर कहता है ये चंद्रगुप्त तो मौर्य कहता है ना बाबा ऐसा तो होगा नहीं तो कहता है फिर तो युद्ध करना पड़ेगा तो कहता है, भागता कौन है आइए मैदान में तो युद्ध होता है और युद्ध में सेलुकस तो तो के कब्जे में था उसको यह चंद्रगुप्त तो मौर्य छीन लेता है और इनको भगा देता है विदेशियों को इसीलिए कहा जाता है भारत का मुक्त जाता यानी भारत की जमीन पर कब्जा करवा दिया भारत को मुक्त करवा लिया विदेशियों से जो साम्राज्य भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया वो भारत में नहीं वो अफगानिस्तान तक उसकी सीमाएं थी इतनी बड़ी सीमा इतनी बड़ी चौहदी तो अंग्रेजों की नहीं थी जितना बड़ा साम्राज्य इस चंद्रगुप्त मौर्य का था इसीलिए एक अखिल भारतीय साम्राज्य का पहली बार निर्माता आपको यह चंद्रगुप्त मोलता है तो इस उपाधि के बारे में हमने आपको बताया यूनानी ग्रंथ हैं। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त के कई नाम मिलते हैं इसको थोड़ा सा जानना है यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त के कई नाम मिलते हैं तो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त का नाम सेंडोकोटस भी मिलता है एंडोकोटस भी मिलता है सेंडोकोप्टस भी मिलता है मैं एक कोड बता दूंगा आपको आराम से याद हो जाएगा परेशान मत होप्टस देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है सेंडोकोटस लिखा है यहां पे कोप्टस लिखा है थोड़ा सा ही अंतर है चंद्रगुप्त की उपाधि एक सेंडोकोप्टस की है और दूसरी उपाधि ये सेंडोकोप्टस की है और ये सेंडोकोटस की है और ये एंड्रोकोटस है अब विदेशी यात्री तीन हैं एक है स्ट्रेवो और एक है एरियन और एक है जस्टिन ये तीनों मिला के कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंडोकोटस था उसके बाद में यहां पे एपियानो से एक विदेशी यात्री है और प्लूटार्क है ये तीनों ये दोनों कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एंडोकोटस है एक निर्याकस है और निर्याकस कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है सेंडो है तो अब कोट के माध्यम से इसको समझ लीजिए ये जो सेंडो है इसको तीन लोगों ने कहा एस ए जी साज एस ए जे साज एरियन जस्टिन ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोटस एरियन जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडो कोटस कहा। ये देखो एंडो कोटस यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहा और सेंडोकोट केवल निर्याकस ने कहा ठीक केवल निर्याकस ने कहा ध्यान रखिएगा तो सात एपी ओरियन इस तरीके से मैंने याद किया है आज भी याद है कभी भूलता है अगर कोड के माध्यम से कोई चीज याद करते हैं लेकिन कोड का भी रिवीजन करना पड़ता है ये भी ध्यान रखिएगा कोड का भी रिवीजन करना पड़ता है ठीक अब ये देखो नोट में कुछ बात लिखी हुई है नोट 28 फरवरी ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात असली बात जो एग्जाम में पूछी जाती है 28 फरवरी 1793 का समय था और ये बिलियम जोन्स वही बिलियम जोन्स है जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सत्रह में करता है इसी एशियाटिक सोसाइटी के सामने ये आया और लोगों को संबोधित करते हुए बताता है कि ये सेंडोकोप्टस एंडोकोप्टस और सेंडोकोप्टस ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं तो एशियाटिक सोसाइटी के सामने जिसकी स्थापना संत विलियम जोन्स करता है वो स्वयं स्वीकार करता है सेंडोकोटस एंडो कोटस सेंडो कोपटस ये तीनों नाम किसके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के हैं थोड़ा कठिन है फिर से रिवाइज कीजिए आप लोग आधा मिनट में एक बार रिवाइज कीजिए और वापस आइए लाइक कर लीजिए आप सभी लोग क्लास को रिवीजन करने के साथ साथ में लाइक भी कर लीजिए ठीक साज एपीएन वेरी गुड वेरी गुड किसने लिखा वाह इस तरीके से रिवाइज करना है पीसीएस साहब ने लिखा याद हो गया साज एपीन सेंडोकोटस किसने कहा एस ए जे ने कहा साज ने कहा स्ट्राइबो एरियन और जस्टिस ने कहा एपी मतलब एपियानुस और प्लूटार्क ने एंडोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को और निर्याकस ने सेंडोकोप्टस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को बस और इन तीनों नामों के बारे में सर्वप्रथम एशियाटिक सोसाइटी के सामने विलियम जोन्स ने कहा कि ये तीनों नाम किसके हैं सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य के हैं तो अभी तक आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के इतिहास का अध्ययन किया ठीक आगे थोड़ा बढ़िए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन इसको पढ़ लीजिए फिर तो कल्याण ही हो जाएगा यहां से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा हमने आपको बताया कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका जन्म पाटली पुत्र में हुआ था लेकिन ये बचपन में सीरियल में जैसे दिखाता है वैसे इतिहास में भी काफी कुछ मिलता है बचपन में ये अपने माँ बाप से बिछुड़ गया बिछड़ के ये पाटलिपुत्र से विंध्याचल के जंगल में आ गया बालक था लेकिन कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीखने पात तो अगर बच्चा भी होता है तो उसका उसके मस्तक का तेज उसकी एक्टिविटी यह बता देता है कि वो कहां तक जाएगा तो जिस समय अपने बाल्यकाल की अवस्था चंद्रगुप्त मौर्य बिता रहा है उस समय भारत में वंश का शासन चल रहा है और घनानंद है घनानंद भारतीय जनता के ऊपर टैक्सेशन लगाया है त्राहीमाम त्राहीमाम की स्थिति है और इसी घनानंद के दरबार में एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित रहता था जिसका नाम था चाणक्य चाणक्य को अपमानित करके घनानंद ने अपने दरबार से उसको निकाल दिया तो पंडित है कहते हैं पंडित जब तक उदार है तब तक ठीक है अगर वो नाराज है तो वो आग का गोला है और पंडितों में वो भी विद्वान पंडित जिसके पास सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि है विवेक है तो उसी समय चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री आगे चल के बना कौटिल्या उसने प्रण किया था कि मैं तुम्हारा समूल नष्ट करूंगा घनानंद चिंता मत करो अब अपने कौटल्य था वो इसी विंध्याचल के जंगलों में ये भी घूम रहा था द्रवित अवस्था में था जब इस जंगल में पहुंचा तो चार पांच लड़के एक खेल खेल रहे थे उस खेल में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये एक चौकी पर बैठा हुआ था और इस चौकी पर बैठ के बड़ी तेजी से निर्णय करता था आसपास में कुछ बच्चे थे प्रश्न पूछते थे बड़ी तेजी से और बड़ा वाकपट होकर निर्णय कर रहा था इसी समय कौटिल्या ने इस चंद्रगुप्त मौर्य को देखा प्रभावित हो गया एम्प्रेस हो गया अरे इसमें तो राजा के गुण है इससे बात की चंद्रगुप्त तो मौर्य भी कौटिल्या से प्रभावित हुआ तो प्रभावित होने के बाद में कौटिल्या ने कहा कि हमें अपने स्वामी के पास ले चलो तो चंद्रगुप्त तो मौर्य ले गया तो चंद्रगुप्त तो मौर्य को के स्वामी को इसी समय इस कौटिल्या ने एक हजार करसापण यानी इसको ध्यान में रखिएगा करसापण का मतलब है चांदी की मुद्रा इसके स्वामी को एक हजार करसापण दिया चांदी की मुद्रा दी और खरीद लिया खरीदने के बाद में कौटिल्या इस चंद्रगुप्त मौर्य को ले गया कहा इस चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चला गया गंधार जहां पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था और उसी का प्राचार्य था जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसमें लाजिक तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी उस समय घुड़ सवारी की शिक्षा दी जाती थी तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती थी सर्वप्रथम तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं वहां के आचार्य कौटिल्य से पाई उसके बाद में तर्कशास्त्र की शिक्षा पाई और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में पारंगत चंद्रगुप्त मौर्य हो गया तो एक दिन अचानक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पितामह कौटिल्य से पूछा कि भाई ये जो हमारा पालन पोषण आप कर रहे हो इसका रीजन क्या है तो उसने कहा भैया देखो अभी छोटे हो आप आई जल्दी से बन जाओ जब आई बन जाओगे तब बताना तब पूछना मैं बताऊंगा यही आपके गार्जियन भी बोलते होंगे भाई पैसा वो देते हैं पैसा दे रहे हैं ठीक है पैसा दे रहे हैं ये मत पूछना पैसा कहाँ से दे रहे हैं कहते हैं आपको पढ़ाई से काम है और आप लोग जब कमाएंगे तो एक एक रुपए का हिसाब लेना शुरू करेंगे और वही वो गार्जियन देखो कितने महान है कहते हैं आपसे कि पैसा मैं आपको दे रहा हूं जितना जरूरत पड़े उतना लीजिए ये मत पूछिए कि पैसा कहां से आ रहा है आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए ऐसा वैसे बहुत कम होता है लेकिन बड़ा जो भी होता है वो दुख देने वाला होता है तो कुछ दिन तक अपना तैयारी करने में फिर लग गया चंद्रगुप्त तो मौर्य एक दिन पूछा तो कहा घनानंद ने हमारा अपमान किया है और मैं चाहता हूं कि तुम उसका बदला लो चंद्रगुप्त मौर्य तुरंत आग बबूला हो गया बताओ कहा बताओ घनानंद कहाँ रहता है तुरंत आक्रमण करके समूल नष्ट कर देता हूं उसका चिंता मत करो पितामह कौटिल्य ने समझाया बालक ऐसे नहीं होगा वो भारत का शासक है और भारत के शासकों में से सबसे बड़ा और सबसे बलशाली शासक है उसके पास केंद्रीय सेना है शाही सेना है आप तो बाउंड्री पे भी नहीं पहुंचे जाएंगे और खत्म कर दिए जाएंगे चंद्रगुप्त नहीं माना तो कौटिल्य ने उदाहरण दिया इस समय कौटिल्य ने कहा कि ये रोटी है इस रोटी को बीच से कोई खाता है क्या 20 से कोई खाएगा तो जल जाएगा ये एक कटोरा आप लोगों के सामने खीर भरी है खाना शुरू कीजिए किस तरफ से खाएंगे खीर है खीर पकौदन है जिसको सुजाना सुजाता ने महात्मा बुद्ध को खिलाया था एक, -एक चम्मच निकाल के खिलाया था बड़े ध्यान से महात्मा बुद्ध क्या खाए और तपस्या भंग सामने लड़की तपस्या भंग चलो अब और मेहनत करो पढ़ाई करो छह दिन और मेहनत की फिर महात्मा बुद्ध ने तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो खाना शुरू कीजिए इस खीर को देखिए किधर से खाते हैं शुरू कीजिए और बताइए किस साइड से शुरू किया खाना आप लोगों ने बताइए जरा किस क्षेत्र से किस एरिया से खाना शुरू किया भाई लोगों किनारे से बड़े चलाक हैं आप लोग हम्म बीस से खाइए देखिए एक बार अरे ठंडा हो जाने दीजिए चाहे जहां से खाइए फिर बस क्यों लेकिन ठंडा नहीं है अभी गर्म है तो गर्म है तो किनारे से फूंक फूंक के खाइए नहीं तो जल जाएंगे गर्म है खीर ऐसे ही रोटी की हालत होती है तो ऐसे ही ये जो केंद्र है इस केंद्र में कौन बैठा हुआ है इस केंद्र में घनानंद बैठा हुआ है और घनानंद बाहुबली प्रकार का शासक है तो कौटिल्य ने कहा कि इसके इसके बगल से आक्रमण करो इसकी सीमाओं पे अटैक करो यहां सीमाओं पे अटैक करो ऐसा थोड़ो ना है कि सीधे उठो और इसी के ऊपर आक्रमण करोगे तो जल जाओगे ये तो बहुत बड़ा शासक है जब यह तर्क दिया तो कौटिल्य तर्कशास की शिक्षा प्राप्त ही कर रहा था प्राप्त ही करवा रहा था किसको चंद्रगुप्त मौर्य को तब थोड़ा लाजिक समझ में आई कि बात तो सही कह रहे हैं हमारे गुरु जी तो गुरु जी हैं और सही भी करें और उसको फील भी हुआ कहा ठीक है तो कहा फिर क्या क्या करना चाहिए गुरु जी चूंकि हमने प्रण कर लिया है मैं खत्म जरूर करूंगा उसे तो कहा देखो बेटा अभी सेना होना कुछ बनाओ अपने पड़ोसी क्षेत्रों पे जो राज्य हैं उन पे आक्रमण करो लूटो उनको लूटने के बाद में पैसा वैसा मिलेगा पैसा मिलेगा तभी तो सेना बनेगी और जो सेना होना बन जाए तो उस सेना को ट्रेनिंग भी करो और ट्रेनिंग करो फिर इस घनानंद के ऊपर आक्रमण करो और अब जब इसके ऊपर आक्रमण करोगे तब यह आक्रमण आपका सफल होगा और डायरेक्ट आक्रमण करोगे तो मारे जाओगे यहां पे क्योंकि तो ये केंद्रीय शासक है अब कहा मान गया किसने कहा मान गया किसका इस चाणक्य का तो तक में इसने आठ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी इसी समय एक शिक्षा और दी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिक्षा और दी मैं भी आप लोगों को यही शिक्षा देना चाहता हूं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो चाणक्य ने यह कहा कि शासक में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति में शेर और लोमड़ी के गुण होना चाहिए भाई शासक भी तो हमारा राजा है और उसमें अगर यह गुण होना चाहिए तो हमारे में भी होना चाहिए यह गुण आगे बढ़ाता है व्यक्ति को मान लो आप शेर हो कोई महाशेर सामने आ गया तो लोमड़ी बनने में भलाई है चालाक बन जाइए छोटा बन जाइए और निकल जाइए बड़ी तेजी से, नहीं तो फिर क्या होगा? जीवन खत्म हो जाएगा। इंद्रजीत की तरह वो जानता था कि हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तीन तीन बाण चलाए और तीनों अमोघ शस्त्र थे ब्रह्मशास्त्र चलाया ब्रह्मशास्त्र किसी छोड़ किसी को छोड़ता था क्या पूरी धरती हिल जाती थी ब्रह्मा जी ही उस पे बैठे होते थे जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है वो आया और लक्ष्मण को प्रणाम चल के करके चला गया सब प्रणाम करके चले जा रहे हैं परेशान हो गया कि लक्ष्मण आदमी है या देवता है समझ गया भाई ये आदमी नहीं है ये देवता है तुरंत भाग गया पिता श्री मैं सूचना देने आया हूं गजब लेकिन रोल गजब है भाई गजब रोल करता है पता नहीं कैसे वो सागर साहब जो है उन्होंने बनाया है और क्या गजब गजब पात्रों को चुना है सब अपने रोल में फिट और उसी में कोई आर्य सुमंत थे ना आर्य सुमंत उसी में थे अभी शायद वो दो तीन दिन पहले जो आर्य सुमंत का रोल निभाया था वो एक्सपायर हुई है दो चार दिन पहले ही तो कहा राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी के गुण होने चाहिए दोनों गुण होने चाहिए ये एक शिक्षा दी अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये सबसे पहले भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा के ऊपर आक्रमण करता है और इसकी विजय करता है कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित छोटे छोटे राज्यों व संघों की विजय की और छोटे छोटे राज्यों व संघों की विजय करके यहां से धन इकट्ठा किया और धन के द्वारा सेना का निर्माण किया एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधि में इस विजय का यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा की विजयों का उल्लेख मिलता है जब धन इकट्ठा कर लिया तो इसने अब किसकी विजय की इसने अब मगध की विजय की तैयारियां शुरू कर दी मगध जहां पे घनानंद शासक था इस विजय का उल्लेख मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में मिलता है और परिशिष्ट परबन नामक ग्रंथ में मिलता है परिशिष्ट परबन है ये ये कैसा ग्रंथ है ये जैन ग्रंथ है परिशिष्ट परबन और ये कैसा ग्रंथ है मुद्रा राक्षस तो इसको विशाख दत्त साहब ने लिखा ये इसको आप जानते ही हमने पहले ही बताया कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बृहद मात्रा में जानकारी इस मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से मिलती है और हमने इस परिशिष्ट पर्वन को भी बताया क्या कि इससे भी जानकारी मिलती है तो आपने देखा कि घनानंद और मगध के ऊपर चंद्रगुप्त के आक्रमण का व्यापक विवरण इन दोनों ग्रंथों में मिलता है और विजय का वर्णन भी मिलता है आपसे पूछा भी जाएगा यह भी ध्यान रखिएगा इस विजय में नंदों का जो सेनापति था उसका नाम था भद्रशाल इस नंदो के सेनापति भद्र साल को क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था इस विजय में पर्वतक नामक राजा की चंद्रगुप्त ने सहायता की थी ध्यान रखिएगा भद्र साल सेनापति था घनानंद का और ये जो पर्वतक नामक राजा है ये चंद्रगुप्त मौर्य की क्या करता है हेल्प करता है तब जाके कहीं मगध की विजय चंद्रगुप्त मौर्य कर पाता है इसके अलावा आगे अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका एक युद्ध होता है सेल्युकस से सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी सेल्युकस बना था और ये बेबीलोन का शासक बना था यह सिकंदर के समय में सिकंदर का सेनापति था सेल्युकस अब सिकंदर का जो क्षेत्र भारत पर था जो जिस पर कब्जा था उसको ये प्राप्त करना चाहता था इसीलिए इसने अटैक किया इस समय भारत का राजा चंद्रगुप्त मौर्य है इसकी उपाधि किसकी है निकेटर की और निकेटर का मतलब क्या होता है विजेता होता है सेल्युकस निकेटर इसे कहा जाता है और निकेटर का मतलब क्या होता है जान लीजिए इसको आप लोग निके... निकेटर का मतलब होता है जितेंद्रीय यानी विजेता यानी बिनर निकेटर का मतलब होता है 305 ईसा पूर्व में इसने बैक्टीरिया की विजय करके सिंधु नदी को पार करके भारत के ऊपर आक्रमण किया यह सिकंदर की अधूरी भारत की विजय को पूर्ण करना चाहता था इसका सामना चंद्रगुप्त तो मौर्य से हुआ सेल्युकस पराजित हो गया अब सेल्युकस पराजित हो गया तो इससे एक संधि हुई और इस संधि की शर्तों में क्या था प्रथम भारतीय अंतरदेशीय संधि है जो 303 या 304 सौ चार ईसा पूर्व में हो रही है ध्यान रखिएगा आप लोग ये पहली संधि है अभी तक कोई संधि या समझौता आप लोग देखेंगे नहीं इतिहास में पहली ये संधि है अभी तक कोई भी संधि नहीं हुई थी हां तो अभी आधे घंटे पहले आपका मोबाइल तीन प्रतिशत था मैंने देखा था मैं सब कमेंट देख लेता हूं एक एक लोग एक एक बातें जो करते हो मुझे सब पता चल जाता है एक बात के माध्यम से अभी किसी ने आधे घंटे पहले कहा था तीन परसेंट है आधे घंटे बाद अभी वो कह रही हैं कि सर अब दो प्रतिशत है अभी कब तक क्लास चलेगी तब जब भैया एक प्रतिशत आधे घंटे से ज्यादा आपका मोबाइल चलेगा तो अभी तो दो प्रतिशत है अभी तो एक घंटे पढ़ा जा सकता है क्यों साधना सब पता चल जाता है गुरु को गुरु ही कैसा कि पता ना चले आप लोग कमेंट करते रहें। सब पता है आगे बढ़िए तो अभी एक घंटे आपका मोबाइल चल सकता है ये संधि किसके बीच में हुई चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युक निकेटर यानी विजेता के बीच में हुई संधि की शर्तें किसकी तरफ हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको युद्ध में हराया था इस संधि के द्वारा जो माला है ये दोनों की सीमा मान ली गई। ने अपनी पुत्री जिसका नाम देखो हेलेना, सुंदर नाम है ना हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और दहेज में चार प्रांत दिए यही चार प्रांत पूछे जाते हैं बस ध्यान रखना ये चार प्रांत ही पूछे जाते हैं इसमें एक प्रांत है एरिया और एरिया अफगानिस्तान में है यही वो है रात है जो बेहजाद बेहजाद की कार्यशैली है बेहजाद ये बहुत बड़ा चित्रकार है ध्यान रखना इसी को पूर्व का राफेल कहा जाता है इसके बाद में पेरो पनिसदई ये काबुल है इसका नाम अराकोसिया इसका नाम है कंधार और जेड्रोसिया मतलब मकरान ये चार प्रांत भी मिले दहेज में आप भी आई बन जाएंगे आपको भी मिलेगा मांगना नहीं पड़ेगा अब वो दहेज नहीं कहा जाता यहां पे सब कुछ गरीबों के लिए है आई को अगर कोई मंत्री दहेज दे रहा है तो वो दहेज नहीं कहा जाता और बिना क्योंकि बिना मांगे वो दहेज मिलता है यहां पे हम लोगों ने देखा अरे एक साइकिल दे दो रेडियो दे दो उस समय मर्फी का रेडियो आता था अब तो घड़ी बंद हो गई उस कंपनी की क्या नाम था एच एम टी एच एम टी की जो घड़ियां होती थी एच एम टी आकाश है जीटर है पताल है कई नामों से उसने घड़ियां निकाल दी अब वो कंपनी बंद हो चुकी विवाह में वो घड़ी मिलती थी कई बार मांगता था दूल्हा भाई एक घड़ी तो दे दो कभी कभी परीक्षा देने जाएंगे तो कम से कम समय तो पता रहेगा नहीं नहीं घड़ी तो नहीं मिलेगी घड़ी तो अभी बहुत महंगी है और चार सौ रुपये की वो घड़ी आती थी तो जल्दी से आई बन जाइए मांगना कुछ भी नहीं पड़ेगा कहाँ घर लेंगे कौन सी गाड़ी लेंगे ये पूछा जाता है कौन सी गाड़ी पसंद है भैया तो ये चार प्रांत दहेज में दिए ठीक तो हमारे यहां दहेज की प्राचीन से ही परंपरा है तो कैसे खत्म हो सकता है कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता कब से है देखो ये परंपरा आप देख रहे हो देखो कब से है हां लगभग कमियां बहुत आई हैं लेकिन खत्म कहां हुई है तो आप लोग कुछ कोशिश कीजिएगा और क्या मिलता है भाई ये जो इन दोनों के मध्य में वैवाहिक संबंध होता है एक विदेशी यात्री इसका विवरण करता है एक बार यह प्रश्न पूछा एपियानुस एपी एपी में से जो पी है ए है वही है एपियानुस ये एपियानुस इसका विशद विवरण करता है ध्यान में रखिएगा इसको यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एपियानुस ये जो इन लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है इसका व्यापक विवरण करता है प्लूटार्क एक विदेशी यात्री है ये क्या कहता है इसके बारे में देखिए इसने वर्णन दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब ये दहेज में प्रांत मिले और विवाह में हेलेना मिली तो ये भी एम्प्रेस हुआ एम्प्रेस हुआ तो भारत में इस समय हाथियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी तो 500 हाथियों का उपहार दिया गिफ्ट दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तो कई बार बर प्रक्ष भी उपहार देते हुए मिलता है सेल्युकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा सर्वप्रथम बिसेंट इसमें देखो बी ए स्मिथ है ये पूरा ने इस विवाह को अपनी पुस्तक अर्ली अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है बी ए स्मिथ की पुस्तक है ये बहुत महत्वपूर्ण है बता दे रहा हूं ये किताबों में आपको ढूंढ डालिए किसी भी किताब में लिखा हुआ मिलेगा नहीं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है यह भी पूछा है बी ए स्मिथ की पुस्तक है इसमें लिपिबद्ध किया है इस विवाह को ध्यान में रखिएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य के जन कल्याणकारी कार जन कल्याणकारी में वही सुदर्शन झील आती है इसका निर्माण इसने सौराष्ट्र प्रांत में करवाया था अपने पुष्य गुप्त नामक राज्यपाल के माध्यम से बाकी अन्य बातों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कहा जा रहा है पुष्य गुप्त ने पलासिनी नदी और सुवर्ण सिकता नदी को आपस में जोड़कर सुदर्शन झील का निर्माण किया था और कृत्रिम बांध भी इसके ऊपर बनवाया था इसके इतिहास को आप लोग पहले अभी पढ़ चुके हैं तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रांत के सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतपति पुष्य गुप्त ने करवाया पलासनी नदी ध्यान रखिएगा पलासनी और सुवर्ण सिक्ता नदी की धाराओं को नदी को आपस में जोड़ के इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और इसके ऊपर एक कृत्रिम बांध भी बनवाया रुद्रदामन जो सख्त शासक था यहाँ के राज्यपाल सुभशाख ने इसका बांध का पुनर्निर्माण करवाया अशकुंद गुप्त के राज्यपाल पर्ण के पुत्र चक्कर ने इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया यही है झील इससे चार शासक संबंधित हैं चार शासकों के नाम दिए हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य अशोक रुद्रदामन और अस्कंद गुप्त और इनके प्रांतपतियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं ये भी ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा सारा कंटेंट फिक्स है आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त अशोक का राज्यपाल तो अस्कंद गुप्त का राज्यपाल पर्णदत्त रुद्रदामन का राज्यपाल सुबिशाख रुद्र दामन का राज्यपाल कौन है सुविशाख है ध्यान में रखिएगा आप लोग रुद्र दामन का राज्यपाल कौन है सुविशाख ठीक चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन इसी को देखेंगे बस ऐसा माना जाता है राजावली ग्रंथ है ये जैन ग्रंथ है इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल 26 वर्षों तक शासन किया इसी ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में 12 वर्षों का इसके राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा था अकाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था इससे चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत दबित अवस्था में आ गया उसने अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया उसको सौंप दिया और सौंपने के बाद में एक जैनिज्म साधु थे जिनका नाम था भद्रवाह उनसे जैन धर्म की शिक्षा ली शिक्षा लेने के बाद में उनको भी तैयार कर लिया और दोनों चले गए कर्नाटक कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला की पहाड़ी है वहीं पे इन दोनों ने उपवास करना शुरू कर दिया खाना पीना छोड़ दिया जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की पद्धति को संलेखना या संथारा के नाम से जाना जाता है संथारा और संलेखना एक ही है ध्यान रखना जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की पद्धति को संथारा या संलेखना के नाम से जाना जाता है व्यक्ति खाना पीना बंद कर देता है और खाएगा पिएगा नहीं तो शरीर कैसे चलेगी अंत तो गत्वा चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो गया श्रवण बेलगोला में या कर्नाटक में तो यहां पे ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है भद्रबाहु ये जैन साधु है ठीक यही है संलेखना पद्धति जिसको यहाँ पे अपनाया था इसी को कहते हैं उपवास चंद्रगिरी की गुफा है ये श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर ही स्थित है ध्यान रखना श्रवण बेलगोला पहाड़ी कहाँ है ये कर्नाटक में है और मुख्यतया जो पर्टिकुलर रीजन है या क्षेत्र है वो है चंद्रगिरी की गुफा इसी पर तपस्या की थी इसी पर उपवास करना प्रारंभ कर दिया था और वर्तमान में इस संलेखना सिस्टम को इस संथारा सिस्टम को सुप्रीम तो कोर्ट ने इस पर बैन लगाया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय कहता है ये तो सुसाइड है और सुसाइड हमारे यहाँ एक अपराध है फिर भी कभी कभी पेपर में आप साल दो साल चार साल में एक आध बार सुन लेते होंगे कि कोई जैन साधु है वह संलेखना पद्धति को अपना के अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है तो मान लो संलेखना सिस्टम को कोई अपना रहा है उस समय अगर कोई पकड़ा जाएगा पुलिस कैद कर लेगी उसे जेल में बंद कर देगी मौत के लिए प्रयास करना भी हमारे यहां अपराध है और सबके यहां अपराध है तो मौत के प्रयास में जो व्यक्ति सफल हो जाता है तो सफल हो गया तो फिर क्या उसको क्या सजा मिलेगी वो रहेगा ही नहीं प्राण पके उड़ गए उसके तो उसको क्या सरकार सजा देगी लेकिन प्रयास करते हुए अगर मिल गया तो पुलिस छोड़ती नहीं है क्योंकि सुसाइड क्या है अपराध है संगी अपराध है भाई अपना जीवन आप स्वयं समाप्त नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपने स्वयं जीवन नहीं पाया जीवन देने वाला ऊपर वाला है तो जीवन लेगा भी तो वही लेगा इसी सिद्धांत के अंतर्गत मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर आपने किसी को जन्म नहीं दिया तो जैसे कई बार हमारे यहाँ तमाम घटनाएं होती हैं कई प्रकार की घटनाएं होती हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कई तरीके से प्रहार करता है उसकी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए मैं इसको सही नहीं मानता अरे भाई जब जीवन आपने नहीं दिया तो जीवन छीनने वाले कौन होते हो आपने जीवन नहीं दिया तो जीवन मत छीनो जो भी दंड देना हो अगर उसने मान लो गलत ही किया है तो दंड अगर देना है तो दंड दीजिए इसी तर्क के तहत मैं जो फांसी की सजा है मैं उसको अपना ये मेरा विचार है मैं उसको सही नहीं ठहराता भले ही कितना बड़ा आ, आ, किसी ने कृत्य किया हो हमेशा जेल में बंद रखिए पश्चाताप करने दीजिए उसे वो फांसी देने के पहले कई बार मरेगा पश्चाताप कई बार व्यक्ति को मारता है अकेले में ही वो व्यक्ति भले ही उसका शरीर रहे लेकिन वो मरता रहता है तो इसी तर्क के तहत मैं भी थोड़ा फांसी की सजा के प्रति थोड़ा सा उदार रुख अपनाना चाहता हूं कि जीवन दिया नहीं तो लेने का हक नहीं है हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के सामने कई 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 बार ऐसे अपराध आ जाते हैं कि व्यक्ति जानबूझ के नियोजित तरीके से उसको अंजाम देता है तो ये भी कई दृष्टिकोण से जरूरी है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय या सरकार उस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं देगी तो अपराध थोड़ा बढ़ सकता है ये इसका क्या है ये इसका सकारात्मक पक्ष है तो किसी भी पहलू के दो पक्ष होते हैं दोनों तरीके से उसे हम सोचते हैं आप लोग आई के स्टूडेंट हो इसी तरीके से आपको भी सोचना है जब राम को चौदह वर्ष का वनवास हुआ तो लोगों ने कहा राजा हैं ये बन में कैसे जाएंगे इनके पैर में तो कांटे गड़ेंगे कंकड़ गड़ेंगे नदियां मिलेंगी तो बन में कुछ खाने को नहीं मिलेगा राजा हैं राजमहल में रहे हैं कैसे जीवन बिता पाएंगे ये तो एक तरीके से बड़ा गड़बड़ हुआ लेकिन जब रामचंद्र जी से लोगों ने पूछा तो देखो वो निगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ लिए कहे ये तो हमारे लिए एक महान कृत होगा जंगल में यात्रा करेंगे तो जंगल में कई तपस्वी मिलेंगे कई साधु मिलेंगे कई संत मिलेंगे उनका प्रसाद मिलेगा उनके सामने हम नतमस्तक होंगे नदियां मिलेंगी उसमें स्नान करेंगे तो हमारा तो तरन तार हो जाएगा तो निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढना है ये आप आई एस आपसे बढ़िया किसी और को नहीं आएगा मतलब भविष्य के आई तो ऐसे ही काम करना है ध्यान रखिएगा ऐसे ही काम करना है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गया और कंप्लीट और फिर यहीं पे आज की क्लास ख़त्म करते हैं कल से बिंदुसार और अशोक को पढ़ा जाएगा क्यों तो जिसको सब्सक्रिप्शन लेना हो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप सभी लोगों को आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा ये जो ऑफर है ये ट्वेंटी थर्ड जून तक वैलड है आज इक्कीस है कल बाईस परसों तेईस इसमें पैंतीस प्रतिशत की छूट मिली है आप लोगों को इसमें कंप्लीट यूपीएससी का अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कंप्लीट पे करवाया जा रहा है और यहाँ पे लोन के द्वारा भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं हमने पहले ही नंबर दिया हुआ है तो अभी मैं फ्री रहूंगा आधे घंटे करीब करीब एक घंटे तो जिसको कांटेक्ट करना है वो तुरंत कांटेक्ट कर ले ठीक है मैं लोन का प्रोसेस करवा देता हूँ और एक दिन में हो जाता है बहुत इजली हो जाता है बहुत कई प्रकार के लोन हमने करवाए भी हैं निश्चिंत हो जाइए जिसको यहाँ पे पढ़ाई करना है जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो तुरंत कॉल कर सकता है आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त कर रहा हूं अभी एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि पे ऐप पर हमारी एक क्लास अभी होगी और ये जो क्लास है ये है अनएकेडमी के ऐप पर फ्री क्लास ही होगी और 8 पीएम पर होगी इसमें हम लोग मराठा साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं आठ बजे करेंगे अन के ऐप पर फ्री लाइव क्लासेस होगी यम सीक्यू के रूप में करेंगे ठीक है प्रश्नोत्तर शैली में करेंगे आप सभी लोग आ जाइएगा लिंक मैं शेयर कर दूंगा रही पीडीएफ की बात तो ये टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए मौर्य साम्राज्य क्योंकि पूरा पीडीएफ एक में ही है तो मैं तुरंत आपको पीडीएफ दे दूंगा मौर्य साम्राज्य का ठीक चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अन अकेडमी हिस्ट्री वाइज संजीव पांडे के नाम से सर्च कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग वहीं पे पीडीएफ मिलेगा कुछ पूछना हो तो पूछते रहिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को मिलते हैं आठ बजे तीनों शासक में समानता क्या है एक दूसरे के पिता पुत्र हैं यह सबसे बड़ी समानता है ठीक है ना रेशमा सब एक दूसरे के पिता पुत्र हैं ठीक